एक बार आप जल्दी से आएं, फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज की हमारी क्लास पहली क्लास है दोस्त, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम तैयारी करेंगे सीटेट पेपर टू की। किसकी तैयारी करेंगे दोस्तों? सीटेट पेपर टू की तैयारी करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार आप सभी लोग आ जाएं, फिर जो है हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। हाँ जी, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। जो जो आते जा रहे हैं, आप लोगों को सीटेट पेपर टू के लिए क्लासेस की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए, पेपर टू वालों के लिए स्पेशली जो है क्लासेस करा दी जाए। तो उसी के लिए ये आपके सेशन जो है मैंने शुरू किए। एक बार आप लोग जल्दी से आए, फिर जो है हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। जल्दी से आ जाए, कॉपी पेन ले आए आप अपने साथ, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होंगे ये कम से कम 100 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और आपको क्या करना है, इनको लिखते रहना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। और एक ही क्लास के अंदर 100 क्वेश्चंस दोस्त बिल्कुल मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आज हम करके दिखाएंगे। तो आप सब लोग रेडी हैं? बताइए, आप लोग सब रेडी हैं? तो मैं आपसे शुरू करता हूं। देखिए, हम करेंगे सीटेट पेपर टू के अंदर ये सारी चीजें टॉपिक वाइज, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो टॉपिक करा रहा हूं, वो करा रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता का। ये पहली क्लास है। सिंधु घाटी सभ्यता का कराने के बाद फिर मैं जो कल क्लास लूंगा नेक्स्ट, उसमें वैदिक काल कराऊंगा, उसके बाद महाजनपद कराऊंगा, उसके बाद मौर्य काल कराऊंगा, और उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड कराऊंगा, उसके बाद बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, ठीक है, फिर मध्यकालीन भारत। ये जितने भी हमारे 5 से 8 चैप्टर जो होंगे, उनके अंदर आपकी कंप्लीट जो है पेपर टू की आप जो है तैयारी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं आज 100 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो आप अपने कॉपी पेन लेकर तैयार रहें। अगर आप सब लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हैं तो यस टाइप करो, फिर अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। हाँ जी, आप लोग तैयार हैं? देखिए दीपिका गुप्ता जी, जो चीज हो रही है पहले उस चीज को तो कीजिए ना, साइंस भी हो जाएगी, पहले ये चीज तो कीजिए। हाँ जी, आप लोग रेडी हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग। यस सर, चलिए। अगर मैं सबसे पुरानी मोहरों की बात करूं, मोहरे जो होती हैं, तो सबसे पुरानी मोहरे किसकी थी, आप मुझे बताइए। सबसे पुरानी, अगर मैं मोहरों की बात करूं, तो सबसे पुरानी मोहरे किसकी थी मुझे बताइए, जो कि हड़प्पा से भी पहले की थी, जल्दी मुझे बताइए। देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए, हड़प्पा की जो सभ्यता थी, उससे पहले मेहरगढ़ के अंदर मोहरे प्राप्त हुई हैं, और मेहरगढ़ के अंदर जो मोहरे प्राप्त हुई थी, जो हड़प्पा से भी पहले की थी, वो किस चीज की बनी हुई थी? वो बनी हुई थी टेराकोटा की, एक पत्थर का नाम है टेराकोटा, टेराकोटा की बनी हुई थी। और ये जो मेहरगढ़ की जो टेराकोटा की मोहरे थी, इनके ऊपर से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि इन मोहरों के अंदर कौन सा जो पशु है वो नहीं था। 4 ऑप्शन देता हूं, गैंडा, हाथी, बाघ या फिर गाय, इन चारों में से कौन सा इस टेराकोटा की जो मोहरे थी उसमें नहीं था, बताइए मुझे। और ये जो मेहरगढ़ के अंदर मिली थी, जल्दी मुझे बताओ, जानना चाहता हूं कि इन चारों के अंदर से कौन सा नहीं मिला था उनके ऊपर छपा हुआ, गेंडा, हाथी, बाघ या फिर काऊ। तो देखिए, जो काऊ थी वो नहीं थी, जो गेंडा, हाथी, बाघ है, ये तीनों छपे हुए थे, काउज आर नॉट प्रिंटेड ऑन देम, यानी कि काउज उनके ऊपर नहीं छुपी हुई। रवि, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। अब चलिए, हड़प्पा सभ्यता से कौन सी, हड़प्पा सभ्यता से कौन सी मेटल के भारत के अंदर होने के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि किस मेटल के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं कि उस टाइम पर इस मेटल की नॉलेज थी भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता के दौरान। स्मिता, संजय, आंसर देते रहें। देखिए, आंसर आएगा चांदी, चांदी, चांदी के जो ओल्डेस्ट साक्ष्य थे वो हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं, ठीक है? हाँ जी, अब देखिए, अब जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके अंदर अलग अलग बिल्डिंग भी थी, आपको पता है ना, अलग अलग चीजें थी, जैसे कि विशाल स्नानागार था, बाथरूम था जिसमें
फेस्टिवल्स के टाइम पे वो यूज होता था, एक प्लेग्राउंड भी था। तो आप मुझे बताओ कि जो स्नानागार था विशाल, वो कहाँ पर था? हड़प्पा में था या मोहनजोदड़ो में था? हाँ जी, वो स्पोर्ट्स के लिए यूज होता था, बिल्कुल ठीक है। बताओ, जो विशाल स्नानागार है वो हड़प्पा में था या मोहनजोदड़ो में था? ये पेपर 2 के लिए है भाई क्लास आपकी। मोहनजोदड़ो में था, बिल्कुल ठीक कहा। दली यादव, सना खातून, स्मिता स्मिता रस्तोगी, मोहनजोदड़ो में था। अब देखो, इसके 2 मुख्य शहर थे, एक था मोहनजोदड़ो, एक था हड़प्पा। वो कौन कौन सी नदियों के किनारे थे ये भी आपको याद रखना है। तो एक ट्रिक बताता हूं आपको, MI और HR, MI HR, कैसे कैसे। मोहनजोदड़ो इंडस नदी के किनारे यानी कि सिंधु नदी के किनारे, और HR यानी कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो आप इस तरीके से याद रखें, MI HR, मोहनजोदड़ो, इंडस, हड़प्पा, रावी। चलिए ठीक है, 4-5 क्वेश्चन हो गए ना एकदम से। आगे मुझे बताइए, आप मुझे बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस मेटल की नॉलेज नहीं थी? किस मेटल की नॉलेज नहीं थी? आप तो सोचते होंगे कि जैसे आज के टाइम पे आपको बहुत सारी मेटल्स के बारे में पता है, तो उस टाइम पर किस मेटल के बारे में नहीं पता था? बताइए मुझे जल्दी से। रवि जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, दली जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, नेहा शर्मा ने भी बिल्कुल ठीक कहा, रिंकू, साधना, वर्षा, आयरन, लोहा। लोहे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, उन्हें नहीं पता था कि लोहा क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, लोग किसकी पूजा सबसे ज्यादा करते थे? हिंदू घाटी सभ्यता में आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा कि किसकी पूजा की जाती थी सबसे ज्यादा। बिल्कुल संजय जी, कुमावत जी, आप बिल्कुल सारे सही आंसर देते हैं, वेरी नाइस। किसकी पूजा करते थे? पीपीटी वगैरह से 10-20 क्वेश्चन हो पाते हैं 10-15 मिनट में, और उसके लिए तो आपको हजारों चैनल मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके से आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। और मैं तो इस तरीके से करवाने वाला हूं लाइव सेशन, तो कुछ टाइम के लिए। पशुपति, बिल्कुल ठीक आंसर दिया। कई लोग बोल रहे हैं मातृ देवी, करते तो वो प्रकृति की भी पूजा थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो पूजा करते थे पशुपति की। नेहा, रिंकी, जिन भी लोगों ने पशुपति आंसर दिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब देखो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसके अंदर अलग अलग शहर थे, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, लोथल हुआ, राखीगढ़ी हुआ, ठीक है ना, और कोटदिजी हुआ, तो बहुत सारे ऐसे स्थान थे। तो सबसे बड़ा कौन सा था? एरिया एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा शहर कौन सा था? संजय कुमावत जी बिल्कुल, नाम लिया आपका, आपके बारे में तो मैंने मेंशन भी कर दिया है, वैलिड है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जी, DLED का, JBT का, DED का। नहीं, मोहनजोदड़ो नहीं था, हरियाणा के अंदर है वो जगह, चलो इतना बता दिया मैंने आपको, हरियाणा स्टेट के अंदर है, भारत के अंदर, हमारा भारत महान। आंसर बताओ, हरियाणा के अंदर कौन सी जगह? नहीं, लोथल नहीं है, लोथल तो गुजरात में है, लोथल गुजरात में, वहां पर जो है पोर्ट मिला था, जो समुद्री बंदरगाह होते हैं ना, वो मिला था वहां पर। तो राखीगढ़ी, रघुवेंद्र कुमार बिल्कुल ठीक कहा, अजय चौधरी आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, सबसे जो बड़ा एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो राखीगढ़ी है, और वो कहां पर है? वो आज के टाइम पे हरियाणा में, सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल। चलिए नेक्स्ट मुझे बताइए कि जो मोहनजोदड़ो है वो भारत के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है फिलहाल के टाइम पे, जब मतलब कि ये अस्तित्व में आई है सभ्यता, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों देश एक हुआ करते थे, लेकिन ये फिलहाल पाकिस्तान ऑक्युपाइड में, यानी कि पाकिस्तान के अंदर है। कुछ जो स्थल हैं वो भारत के अंदर है और कुछ पाकिस्तान के अंदर है। हाँ जी बिल्कुल, तो जो ये मोहनजोदड़ो ये फिलहाल पाकिस्तान के अंदर है। चलो, हड़प्पा की खुदाई करने वाला सबसे पहला पुरातत्वविद कौन था? जल्दी मुझे बताइए कि सबसे पहला आदमी कौन था जिसने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई शुरू की। अब देखिए, यहां पर बहुत स्टूडेंट गलत आंसर देंगे,
लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे कौन था। सर सिंध रिवर अब पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं, दयाराम सानी और रखालदास बनर्जी आंसर नहीं होगा, एक कनिंघम आंसर होगा। लेकिन इनको क्या किया, इन्होंने थोड़ी खुदाई की फिर बाद में बंद कर दी, इन्होंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन शुरुआत एक कनिंघम ने की थी। हाँ जी, मुझे पता है आप ये दोनों आंसर देते हैं, रखालदास बनर्जी और दयाराम सानी, मुझे पता है ये दो नाम देते आप। लेकिन हड़प्पा की खुदाई करने वाला पहला पुरातत्वविद एक कनिंघम था, लिख लीजिए। ईसीसी न्यूज़ गुरु भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कनिंघम। चलिए अब एक क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि घरों के अंदर कुएं मिले हैं, ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में घरों के अंदर कुएं मिले हैं, तो कौन से शहर के अंदर आपको कुएं मिले हैं घरों के अंदर, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी आज का आंसर देना है। जो कुएं मिले हैं दोस्त, कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो में। अगर कुओं की बात करें तो कुएं मिलेंगे आपके मोहनजोदड़ो में। चलिए अब आपने एक खासियत देखी होगी कि जो हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो नालियां बनी हुई थी बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उन नालियों की कमी क्या थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जल निकास प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता की, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है, उनको नालियों को ढका भी जाता था सफेद चूने के पत्थर से, उस पत्थर का नाम भूल गया मैं, लेकिन इसकी कमी क्या थी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो जल निकास सिस्टम था उसकी कमी क्या थी, बताइए मुझे। देखिए एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ये आपकी नालियां थी, ये कुओं के पास थी। अब नालियों में गंदा पानी, कुओं में साफ पानी, तो गंदा पानी और साफ पानी काफी क्लोज थे। नहीं, ये कह रहे गंदगी बहुत होती थी नालों में, यार ये तो ऑब्वियस लकड़ी की थी नालियां। संजय कुमार जी, मेन आंसर ये होगा कि ये जो नालियां थी ये कुओं के पास होती थी, ये सबसे बड़ी जो है इसका ड्रॉबैक था। चलिए आप मुझे बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे थी उसके ऊपर घोड़ा था या नहीं, बताइए। उन मोहरों के ऊपर घोड़े का निशान अब जो है अंकित था या नहीं, हॉर्स का, क्या सोचते हो आप। हाँ जी, नीचे से कच्ची भी होती थी ये, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ना तो लोहे के बारे में पता था और ना ही घोड़े के बारे में पता था, हॉर्सेज उन्होंने कभी नहीं देखे थे। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो एक प्लेस है सुक्तांग डोर, ये भी आपने सुना होगा। नॉलेज तो खैर उनको घोड़ों के बारे में नहीं थी, इसीलिए उनके जो कॉइन्स थे, जो उनके मुद्रा वगैरह कुछ भी थी, मोहरे थी, उनके ऊपर नहीं था। हाँ जी, उनको हाथी के बारे में तो पता था, और जो अगर आपसे पूछे कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सुक्तांग डोर से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे थी। अब लिपि होती है स्क्रिप्ट, मुझे बताइए लिपि कैसे थी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, यानी कि उसमें वर्ड नहीं लिखे हुए थे, उसमें चित्र छपे हुए थे, इसीलिए उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, याद रखना चित्रात्मक लिपि थी। ये क्वेश्चन भी बार बार आया है। अब ये जितने क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं, ये मैंने करा दिए 20-25 क्वेश्चन, इनको पीपीटी में लेके बैठा रहता तो मजा भी नहीं आता आपको, और आपको याद भी नहीं रहते, समझ रहे हो। पहली बार तो आप वीडियो देखोगे, इंटरेक्ट करोगे, दिमाग में यहां पर कुछ रहेगा, फिर लिखोगे तो फिर और कुछ रहेगा, और फिर आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो दिमाग में जो आपने पढ़ा था वो सब कुछ रहेगा। आपको पता है रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना ज्यादा लर्न करोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अब देखिए ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आप मुझे बताओ कि किस व्यक्ति ने, किस पुरातत्वविद ने इसका ये नाम दिया, नामकरण किसने किया, बताओ नामकरण किसने किया। देखिए नामकरण की अगर आपसे बात करें तो एक पुरातत्वविद थे जॉन मार्शल। हाँ जी, स्टिक पेंटिंग की तरह थी ये लिपि, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जॉन मार्शल। संजय कुमार तो बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने सबसे पहले।
जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति ने, ठीक है, सॉरी सर आई एम लेट, कोई बात नहीं, आप आइए, लाइक करते रहिए, नए स्टूडेंट सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए, पेपर टू के बहुत कम स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्लास होगी, धीरे धीरे पेपर टू वाले स्टूडेंट आते रहेंगे, आप अपने यार दोस्तों को भी बताओ जो पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं कि वहां पर क्लासेस होने लग गई हैं 4 बजे डेली, मैं आपको मिल जाऊंगा यहाँ पर अब, ठीक है, चलिए 4 बजे डेली होगी क्लास आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आकार था वो कैसा था, रेक्टेंगुलर था, ट्रायंगुलर था, पेंटागन था, सर्कुलर था, कैसा था? हाँ जी संजय कुमावत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नेहा शर्मा बोल रही है ट्रायंगुलर, बिल्कुल ठीक कहा। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी शेप थी ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार। सुमन, रेणु डागर, नेहा शर्मा, स्मिता रस्तोगी, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने, रेक्टेंगुलर। निशा डागर ने तो बना के ही दिखा दिया रेक्टेंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप मुझे बताओ कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? देखिए मोहनजोदड़ो की खोज की थी आरडी बैनर्जी ने। अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, आरडी बैनर्जी ने और हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, ये दोनों आप नाम याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, और ये 1922 में जो है इसकी खोज की गई थी, तो मोहनजोदड़ो का, हाँ जी 1922 बिल्कुल ठीक का, खुशी इंदु बिल्कुल ठीक का, 1922 में मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोहनजोदड़ो, अवि दली बिल्कुल ठीक का, नीतू साहू सीटेट अड्डा, देखिए इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, हीप ऑफ डेड, बिल्कुल ठीक कहा, मृतकों का टीला। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको पता है, नाचने वाली लड़की की मूर्ति कहां पर मिली थी? ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि जो नाचने वाली जो नृत्यकी थी डांसर, उसकी मूर्ति कहां पर मिली थी? बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं आप, सिंध का नखली स्थान। मोहन जोदड़ो के अंदर मिली थी इंदु रमन मान, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो आप। सोनी कुमारी बिल्कुल ठीक है, देखिए इस क्लास का फायदा ये भी है ना, कुछ काम करते करते सुन भी सकते हो। हाँ जी मोहन जोदड़ो बिल्कुल ठीक है, और आपको पता है कई बार ऐसे जो आप क्लास लेते हो वो ऐसे सुना हुआ आप जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लेते हो तो याद रह जाता है, इन बातों को कभी नहीं भूलते हो। अब मुझे बताइए कि जैसे कि सबसे बड़ा स्थान मैंने पूछा आपसे, तो आपने बोला राखीगढ़ी है हरियाणा में एरिया के हिसाब से, तो सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी, जल्दी मुझे बता दीजिए, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? और ये भी मोहनजोदड़ो, ये और ये जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी ये मोहनजोदड़ो में थी, जल्दी बताओ। अन्नागार, रवि बिल्कुल ठीक आंसर दिया यार, मैं तो फैन हो गया हूं आपका, अन्नागार यानी कि जहां पर ये ग्रेन्स वगैरह को, जितने भी अन्न हैं जो ये खाते थे उनको स्टोर करते थे, और इसकी शेप जो थी वो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर थी, इसकी भी शेप, ये जो अन्नागार था ना इसकी शेप भी रेक्टेंगुलर थी, सॉरी ट्रायंगुलर यार, त्रिभुजाकार, सॉरी त्रिभुजाकार थी, और ये मोहनजोदड़ो में था, ठीक है अन्नागार जहां पर ये स्टोर करते थे ग्रेन्स वगैरह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, कच्ची ईंटों के घर कहां पर मिले हैं? कच्ची ईंटों के घर, उसके अवशेष, कच्ची ईंटों के घर का अवशेष कहां पर मिला है? कच्ची ईंटों के घर आपने ये भी सुने होंगे, कालीबंगा, अवि बिल्कुल ठीक का आपने, रवि बिल्कुल ठीक का, बिल्कुल ठीक का आपने, कालीबंगा। बंदरगाह कहां पर मिला है? बंदरगाह यानी कि जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं, तो ऐसी जगह पर मिला होगा जहां पर समुद्र होगा, सीधी सी बात है, तो गुजरात के अंदर मिला होगा, तो बताइए कहां पर, जल्दी मुझे बताइए। खंबात की खाड़ी के अंदर,
लोथल पोर्ट, बिल्कुल ठीक कहा, गुजरात के अंदर लोथल पोर्ट, भोगवदा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछता हूं कि ये जो सिंधु घाटी के लोग थे, इनका व्यापार पता है कहां से चलता था? लोथल से ही चलता था। जब ये दूसरी सभ्यता के लोगों के साथ ट्रेड करते होंगे तो इनके जो जहाज थे, समुद्री जहाज, वो यहीं से चलते थे, लोथल से ही। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि एक जगह सुनी होगी आपने, रोपड़, ये कहां पर है? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जगह है रोपड़, ये कहां से है? हाँ जी, 9 बजे वाली क्लास होगी, जरूर होगी, बिल्कुल होगी, जबरदस्त तरीके से होगी। रोपड़ कहां पर? पंजाब में। खुशी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये पंजाब में जगह है। चलिए, मकानों का आकार कैसा था? यहां पर मकानों का आकार कैसा था? रेक्टेंगुलर था या ट्राइंगुलर था? गोल था, कैसा था? मैथ की क्लास भी होगी दोस्त, सारी चीजें मैं अकेला ही करवा रहा हूं, तो सारी चीजें चल रही है चैनल पर। देखिए, ये पूरी सभ्यता ट्रायंगुलर शेप में थी, इनका अंडाकार जो है ट्रायंगुलर शेप में था, लेकिन इनके घर रेक्टेंगुलर होते थे। सुरभि गुप्ता, बिल्कुल ठीक कहा, चार कोनों वाला, आपने बिल्कुल ठीक लिखा, रेक्टेंगुलर, चतुर्भुजाकार। ठीक है, ममता कुमार, बिल्कुल ठीक है, वर्षा गोयल। 9 बजे होगी जी आपकी क्लास सीडीपी की। चलो आप मुझे बताइए कि मजदूरी के बदले इनको क्या दिया जाता था? पैसे दिए जाते थे या क्या दिया जाता था इनको? पैसों, मतलब कि जो काम करवाया जाता था मजदूरी के बदले, इनको क्या मिलता था? क्या मिलता था? सामान? नहीं, सामान अनाज, अनाज पर आप ठीक पहुंचे, लेकिन अनाज का स्पेसिफिक कौन सा अनाज मिलता था इनको? अनाज के आपने आंसर दिया तो आप दिमाग लगा रहे हो यार, बहुत बढ़िया। तो कौन सा अनाज था जो इनको मिलता था? जो, बिल्कुल ठीक का ममता कुमारी, गेहूं? नहीं, गेहूं तो नहीं, गेहूं नहीं, जो, जो ठीक है, आंसर आएगा जो। चलिए अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे फेवरेट पशु कौन सा था इनका? सबसे फेवरेट पशु कौन सा था इनका? पशु की अगर बात करूं तो सबसे फेवरेट पशु? नहीं, हॉर्स का तो ज्ञान ही नहीं था भाई ने, कुत्ता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो आप आदि मानव के टाइम पे पहुंच गए। बैल, आपने चंद्र कुमारी बिल्कुल ठीक कहा, स्मिता रस्तों के बिल्कुल ठीक कहा। आपने देखा वो भारी कुबड़ वाला जो सांड होता है, वो इनका फेवरेट था। अगर आपसे पूछे कि इनका फेवरेट कौन था, तो आंसर आएगा कुबड़ वाला सांड, समझ में आ गया होगा आपको, ऑक्स, जिसको देखते ही आप भाग जाते हैं। चलो अब आपने एक चीज देखी होगी कि ये कासा कैसे बनाते थे। देखिए, ये तांबे के अंदर टिन मिलाकर, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग थे, ये कासा कैसे बनाते थे? तो ये जब भी कासा बनाते थे, ये तांबे के अंदर टिन मिला लेते थे। ठीक है, तांबे के अंदर या क्या क्या मिला लेते थे? टिन मिला लेते थे। अब तांबा तो इनके पास था, लेकिन टिन नहीं था। ये टिन कौन से देश से मंगाते थे बताइए? हाँ जी, तांबा और टिन से, बिल्कुल ठीक है, तांबे और टीन से कांसा बना लेते थे। तांबा इनके पास था, टीन कहां से मंगाते थे? सुरभि गुप्ता बोल रही है अफगानिस्तान से, बिल्कुल ठीक का, अफगानिस्तान से मंगाते थे, अफगानिस्तान से, वेरी नाइस यार, मजा आ रहा है। टीन के अलावा एक चीज बताता हूं कि सोना चांदी भी मंगवाते थे, और जो बहुमूल्य पत्थर भी होते हैं, रूबी वगैरह, वो भी मंगवाते थे अफगानिस्तान से। ये ट्रेड अफगानिस्तान के साथ ज्यादा करते थे, वहां से टिन मंगा लिया, रूबी मंगा लिए, उसके अलावा सोना चांदी मंगा लिया। ठीक है, ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि इनका मुख्य पेशा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता वालों का मुख्य पेशा क्या था? यहां पर भी लोग मैक्सिमम गलती करते हैं, बताइए ये किसान थे या व्यापारी थे? ये किसान थे या व्यापारी थे? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये बिजनेसमैन थे, ये किसान नहीं थे, ये किसान नहीं थे, ये किसान नहीं थे, ये किसान नहीं थे, या ब्रैकेट में लिख लो, ये व्यापारी थे। ये जो पूरी सभ्यता थी,
ये एडवांस्ड थी काफी। अब मुझे बताओ, किसान अपना खेतों में काम करेगा या आर्किटेक्ट करेगा अपने शहरों में? इनके शहर उस टाइम पर कितने डेवलप थे? बहुत ज्यादा डेवलप थे। रहन सहन कितना हाई था इनका, एडवांस्ड लोग थे, समझ रहे हो? इतने दिमाग से इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को मेंटेन किया हुआ था। तो ये व्यापारी लोग थे, बनिए थे ये तो व्यापारी थे ये। सॉरी, बुरा मत मानियो, लेकिन आपको बस मैंने मजाक कर दिया ताकि आप याद रखें। अब क्या होगा, ये टॉपिक आप भूल जाते, लेकिन ये मजाक थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको। हाँ जी, कुछ बेचने पर इनको मोहरे प्राप्त होती थी। चलिए, अब एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, कि इनका मुख्य पेशा व्यापारी था और शिल्पकार भी थी। ये शिल्पकार थे, किसान नहीं थे ये मेनली। और इनकी सड़कें राइट एंगल पर काटती थी, और ये मूर्ति भी रंगते थे। ये मूर्तिकार भी बहुत अच्छे थे, और मूर्ति रंगने के लिए दो कलर का इस्तेमाल करते थे। वो आपके कौन कौन से थे? वे आपके, एक तो रेड कलर हो गया आपका, और दूसरा कौन सा था इनका रंग? इनका रंग तो था दूसरा लाल व काले। हां जी, लाल व काले कलर से ये रंगते थे। थैंक यू सो मच। हाँ, ये चेंज हो जाता है 1 मिनट के अंदर पीछे बैकग्राउंड। स्पीक अप फॉर टीचर्स, यही मैंने शुरू किया बैक टू स्कूल के थ्रू, तो मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। डांसिंग गर्ल जो थी वो मोहनजोदड़ो से मिले थी, वो मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, जो खिलौने होते थे वो किस पत्थर से बने हुए होते थे? देखिए, टेराकोटा के पत्थर से। किस पत्थर से? टेराकोटा के पत्थर से। देखिए संजय कुमावत जी, यहां पर जो पूजा होती थी वो पशुपति की जाती थी सबसे ज्यादा। पूजा की अगर बात करूं तो पशुपति की पूजा ज्यादा करते थे लोग, नेचर के नजदीक भी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, किस वस्तु का उत्पादन ये सबसे ज्यादा करते थे? यानी कि वर्ल्ड के अंदर ये फर्स्ट किस चीज में थे, किस चीज के प्रोडक्शन के लिए? हाँ जी, ब्रॉन्ज पेंटिंग्स वर मेड देयर। स्मिता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बताइए मुझे सर, इनका उल्लेख भी मिलता है परंतु जगह का नहीं पता। बिल्कुल ठीक कहा, कपास। यादव जी, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने। जो कपास है, इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने में ये अव्वल थे, फर्स्ट थे। थैंक यू सो मच सतीश तिवारी जी, मुझे बहुत ज्यादा जो है मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से। अब आपको क्या लग रहा है, सिर्फ आपको ही मजा आ रहा है? नहीं, ऐसे डिस्कस करके मुझे भी अच्छा लग रहा है, एंड आई एम ऑल्सो इंजॉइंग दिस सेशन। आप डेली 4 बजे लेकिन जरूर आए, और यार दोस्तों को भी बताएं। चलिए, कालीबंगा में कुएं मिले हैं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच वर्षा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक तांबे का रथ भी मिला है, एक रथ मिला है तांबे का। अब आप बोलोगे घोड़े के बारे में नॉलेज नहीं थी तो रथ को कौन खींचेगा, हाथी के बारे में सोच लो आप, हाथी की नॉलेज थी इन्हें। तो ये जो तांबे का रथ मिला है, ये कहां पर मिला है बताइए। धन्यवाद एफ सबके, सबको जिनको अच्छा लगा। जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, शर्माना नहीं है। कालीबंगा नहीं है, कालीबंगा नहीं होगा। बताओ बताओ, अब देखो कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, तुक्का ही मार दो। चलो सर, आई वॉन्ट टू थैंक यू, आपकी वीडियोस देखकर आई हैव क्लियर सीटेट दिसंबर 2019। अब तो यार आपसे मिलने आ गया, अच्छा लगा मुझे। नहीं, मोहनजोदड़ो में नहीं मिला, दैमाबाद में मिला है। दैमाबाद, नहीं, दैमाबाद लिख लीजिए, यहां पर तांबे का रथ मिला था। चलिए, जो लोथल के अंदर जो बंदरगाह थी उसका नाम पत्तन नगर था। अगर आपको बंदरगाह का नाम भी याद रखना है तो बता दूं, पत्तन नगर। अब ये दैमाबाद ये है कहां पर? मुझे ये स्लिप हो गया है माइंड से। आप ये जरूर देखिएगा कि ये दैमाबाद है कहां, और नीचे कमेंट में भी क्लास के बाद लिख दीजिएगा। महाराष्ट्र में हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है महाराष्ट्र में है। अब देखिए, एक चीज और आपको लिखनी है, याद करनी है, कि ये पशुपति की पूजा तो करते थे, लेकिन ये मातृ देवी के अंदर भी विश्वास रखते थे। ये मातृ देवी के अंदर भी विश्वास रखते थे। हाँ जी, महाराष्ट्र में ही है। चलो क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच क्लियर करने के लिए चीज। मातृशक्ति में ये विश्वास रखते थे। ओके, चलो अब पैमाना। पैमाना क्या होता है?
पैमाने का मतलब है कि मेजरमेंट करने के टूल्स की नॉलेज थी इनको, और ये जो मेजरमेंट के जो टूल्स थे, पैमाने की जो खोज हुई थी वो कहाँ से मिली थी? बंदरगाह वाले एरिया से, यानी कि लोथल के पास से ही। तो अगर आपसे ये भी पूछे कि जो पैमाने हैं वो कहाँ पर मिले थे, तो वो भी लोथल के अंदर ही मिले थे। ये भी आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है। हल से जोते गए खेत कहां पर मिले थे? अब ये क्वेश्चन भी आपने बार बार देखा होगा कि जो खेत थे वे जुते हुए मिले थे, तो जुते हुए खेत कहां पर आपको मिले थे? यहां पर आंसर आएगा, जल्दी बताओ। कालीबंगा। अनीता चौहान, बिल्कुल ठीक का, बिल्कुल ठीक का। आमीन खान, नीतू। देखिए जी, डेट कौन डिक्लेयर कर रहा है मुझे तो पता नहीं, हमें हमने तो सुना नहीं कि सीटेट का अभी कुछ। कालीबंगा, बिल्कुल ठीक है। वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन सा शहर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? जल संरक्षण सबसे ज्यादा कहां पर होता था? वाटर कंजर्वेशन के अवशेष जहां पर सबसे ज्यादा मिले हैं, वो भी वो कहां पर मिले हैं? वाटर कंजर्वेशन के, जल संरक्षण के। जल संरक्षण की अगर बात हो वाटर कंजर्वेशन की, तो वहां पर धोलावीरा हो जाएगा आपका आंसर। हाँ जी, क्या हो जाएगा? धोलावीरा हो जाएगा। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मेन मेन जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, और जितना भी चांस है दोस्त वो मैं बता दूं कि जितने आधे घंटे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं क्वेश्चंस का आने का होता है, क्योंकि अगर आप इनको लिखने लगेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं छोटे मोटे, और छोटे मोटे नहीं, मैंने मेन मेनली जो है इसमें इंक्लूड कर ही दिए सारी वो चीजें। और एक चीज और याद रखना कि इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, ये जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें तो मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है, बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाएं तो आप कमेंट के अंदर जो है नीचे डाल देना। तो आप बताइए, आप मुझे बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी। अब एक चीज और मैं लिखवा दूं आपको, वो क्वेश्चन यहां पर मुझे मिलना चाहिए और उसको मैं तब से ढूंढ रहा हूं। देखिए, हर एक शहर के अंदर क्या होता था? एक दुर्ग जरूर होता था, एक किला जरूर होता था। तो एक ऐसा शहर था, एक लौता ऐसा शहर था जिसके अंदर एक किला नहीं था, वो शहर कौन सा है वो मुझे देखना है। तब तक उसका आंसर दूं उससे पहले एक दो क्वेश्चन और बताऊं। जो फ्रूट्स सबसे ज्यादा फेमस थे वो केला और अनार थे, ठीक है, केला और अनार थे। सुमेर के साथ भी इनका व्यापारिक संबंध था, दजला फरात क्षेत्र में। चुहंदड़ो होगा मेरे ख्याल से, वो चुहंदड़ो होगा वो शहर, बिल्कुल संजय कुमावत जी। मुझे वो क्वेश्चन मिला नहीं, कहीं गलत ना हो जाए इसलिए ढूंढ रहा था, क्योंकि पहला सेशन है तो सारी चीजें मैं भी जो है रिमाइंड कर रहा हूँ अपने माइंड में। तो चुहंदड़ो था, हर शहर में एक दुर्ग होता था, किला होता था, लेकिन वही एक लौता ऐसा शहर था जहां पर कोई किला नहीं था। देखिए, हमारी बैक टू स्कूल एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर नोट्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो। 400 रुपये का सब्सक्रिप्शन है ना मात्र का, सारी चीजें वो मिल जाएंगी, जिससे सीटेट डी ट्रिपल बी के वी एस क्लियर कर लोगे, जिसकी इच्छा हो ले लीजिए। क्लास कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा। डेली 4 बजे मैंने इसका टाइम सेट कर दिया। आज हमने किस चीज के बारे में बात की? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पहला सेशन था, थोड़ी सी हिचक भी थी, काफी दिन के बाद इस तरीके से लिया है। जो आगे लाइव आएंगे 4 बजे वाले वो जबरदस्त होंगे। कल हम वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हो जाएगी, हड़प्पा सभ्यता जब तहस नहस हो जाएगी, उसके बाद का पीरियड है ये वैदिक लोग। क्या हुआ कि जब हड़प्पा सभ्यता के लोग कहां पर जाकर बस गए? देखो, जब हड़प्पा सभ्यता टूटी ना, तो वो दक्षिण भारत के अंदर चले गए। जो द्रविड़ लोग आजकल आप जानते हो, जिनको आप आजकल क्या बोलते हैं, द्रविड़ लोग, दक्षिण के अंदर, वो उनका लेना देना है इनसे ही, ठीक है।
लेकिन कुछ और लोग आए बाहर से इस एरिया में, उत्तरी भारत की तरफ, जिनको वैदिक लोग कहा गया, ठीक है, आर्य जिनको कहा गया। अब ये जो वैदिक काल में आप पढ़ेंगे, वहां पर जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि वाला हो जाएगा। अब आपके माइंड में था कि सर नहीं, व्यापारी कैसे होंगे, ट्रेडर कैसे होंगे, ये तो किसान होने चाहिए। तो किसान ये वैदिक लोग थे, हड़प्पा सभ्यता वाले व्यापारी थे, लेकिन उसके बाद वाले लोग जो वैदिक लोग थे वो कृषक थे, जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो ना चीजें किस तरीके से चल रही हैं। अब हड़प्पा सभ्यता समझाई, अब हड़प्पा सभ्यता बर्बाद हो गई, आप ये समझो उनका अंत हो गया। तो किसी सभ्यता का अंत हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सारे लोग मर गए, इसका मतलब ये है वहां पर रहने वाले लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर सेटल हो गए। रीजन कुछ भी हो सकता है। तो वो कहां पर सेटल हुए, दक्षिण भारत में, जिनको द्रविड़ लोग कहा जाता है, और फिर उत्तरी भारत में बाहर के लोग आए, जिनको आर्य लोग कहा गया, वैदिक काल के लोग। ये जो दक्षिण के लोग थे वो व्यापारी थे, लेकिन वो जो लोग आए वैदिक काल में वो थे कृषक। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पूरी हिस्ट्री आपस में कनेक्टेड है। लास्ट में मैंने क्या किया, अभी वो स्विच जोड़ा है आज की क्लास का और कल की क्लास का। हेलो एवरीवन, आ जाओ सबके सब, फिर दूसरी क्लास शुरू करेंगे जीके की, जिसमें मैं वैदिक पीरियड से क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा, जो सीटेट पेपर 2 के लिए और राजस्थान के अंदर जो टेट एग्जाम होने वाला है रीट लेवल 2, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होंगे। एक बार आप सबको आने का वेट करता हूं। जैसे ही आप आते जाएं मुझे बताते जाइएगा कि मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर मिल रही है या नहीं। और दोस्तों एक चीज हो, जब भी आप क्लास में आओ तो कॉपी पेन लेकर आपको जरूर आना है, कॉपी पेन लेकर आप जरूर आएं दोस्त, ताकि जितने भी क्वेश्चंस, जितनी भी चीजें मैं आपको अभी करवाऊंगा वो आपको लिखनी पड़ सकती हैं। तो ये चीज आप जरूर। हाँ जी, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। एक बार मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर है या नहीं ये मुझे बता दीजिएगा। अभी 1 मिनट तो हो चुका है, किसी तक नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से पहुंची नहीं है, क्योंकि मुझे कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा। धीरे धीरे आएंगे सबके सब। कॉपी पेन ले आना भाई अपने। निधि, पूजा, उमा, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। खुशबू मिश्रा, प्रिया, सरिता, अलीशा, रेनू, रितिका, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। तैयार हो आप लोग? जैसा मैंने बोला था 4 बजे और 9 बजे तो हमारा टाइम फिक्स रहता ही है, बाकी के टाइम पर वीडियोस डालूंगा, लेकिन जो हमारा टाइम लाइव का रहेगा वो यही रहेगा 4 बजे और 9 बजे का। आप लोग रेडी हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, राजस्थान टेट के लिए जैसा मैंने बताया अपना कोर्स लॉन्च मैं करूंगा काफी जल्दी यूट्यूब पर ही, जहां पर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी चैप्टर वाइज करवा दूंगा, और सीटेट के लिए तो चीजें चली रही हैं। हाँ जी सर, नोटिफिकेशन नहीं आता मुझे भी पता है दोस्त, लेकिन बेल आइकन जो नीचे दे रखा है उसको दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। सेम सर, मैं भी चाय पी रही थी। चलो चलिए, अच्छी बात है, तो स्टार्ट करें हम अपनी क्लास को। चलिए अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई तो ये दक्षिण भारत में जाकर बस गए थे। तो जो उत्तरी भारत के जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं मुझे बताइए। सर एनसीएफ और आरटी भी कराओ, जरूर कराऊंगा दोस्त, बिल्कुल टेंशन मत लो, जरूर कराऊंगा, एनसीएफ भी कराऊंगा। देखिए सेकंड चैप्टर है रेणु मलिक जी, कल से स्टार्ट की थी 4 बजे वाली क्लास मैंने लाइव लेना, यानी कि एक चैप्टर पहले हुआ है हड़प्पा वाला। आर्य लोग थे, मंजीत सोलंकी बहुत अच्छा आंसर दिया ब्रदर आपने, आर्य लोग थे उत्तरी भारत में, आर्य लोग आकर बस गए, और दक्षिणी भारत में जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे द्रविड़ लोग वो जाकर बस गए। अब आपने एक चीज देखी कि हड़प्पा वाले लोग पहले थे, वो क्या थे, वो व्यापारी थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो वैदिक पीरियड आया तो वैदिक पीरियड के लोग कैसे थे, वो भी व्यापारी थे या वो कृषक थे, बताइए, ये जानना चाहता हूं मैं कि वो व्यापारी थे या वो कृषक थे जो वैदिक पीरियड के लोग आए। उनसे पहले जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान क्या थी, व्यापारी वर्ग था। हाँ जी, एसएसटी का पढ़ा रहा हूं मैं, वो फार्मर थे, कृषक
कृषक थे। दीप बिल्कुल ठीक लिखा, दीपिका सिरता, मंजीत, प्रिया पासवान, रमन, बिल्कुल आपने ठीक लिखा दोस्त, वो फार्मर थे। अब ये जो आर्य लोग आए थे ये कहाँ से आए थे? कई बार ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है कि आर्य लोग जो आए थे वैदिक काल में ये आए कहाँ से थे? ये कृषक थे, एग्रीकल्चर से इनका लेना देना था, बताओ कहाँ से आए थे ये? एशिया से आए थे, लेकिन मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। शाश्वत सिंह बिल्कुल ठीक लिखा आपने, मंजीत आपने भी, ये मध्य एशिया से लोग आए थे। चलो ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है? अब ये जो वर्ड है आर्य, इसका मतलब क्या होगा? आर्य का मतलब क्या होता है? ऋषभ सोनी बताइए आप, कितना प्यारा नाम है आपका, हम नाम क्यों नहीं लेंगे आपका, बताइए ऋषभ जी। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर। हाँ जी बिल्कुल ठीक लिखा आपने, स्वर्य मीना, शाश्वत सिंह, मंजीत बिल्कुल ठीक लिखा, कुलीन भी आप बोल सकते हैं, जैसे अभी शबाना ने बोला। चलिए अब आप मुझे एक बात ये बताओ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हो, लेकिन इसको आप वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हो? टाइम पीरियड आप याद रखना हिस्ट्री में, ऊपर आपकी वैदिक और उससे पहले वाली आपकी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वाली है ये वैदिक सभ्यता, इंडस वाली पहले थी। तो इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया है? वेदों, इसके अंदर वेदों की रचना हुई इसलिए। सर आपकी क्लास टाइमिंग क्या है? 4 बजे और 9 बजे, दो मेरी लाइव क्लास रहती है, दिन में बीच में वीडियोस डालता रहता हूं मैं। देखिए ऋग्वेद के ऊपर आधारित थी ये जो ये सभ्यता है दोस्त, ये ऋग्वेद के ऊपर आधारित थी, सारा ज्ञान ऋग्वेद पर आधारित है और वेदों की रचना इस काल में हुई है। बहुत सुंदर आंसर आपने दिया, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब आपने देखा कि 5 मिनट लाइव शुरू किए हुए हुए हैं और उस 5 मिनट के अंदर आप देखो वैदिक सभ्यता के बारे में कितना अच्छा बेस बन गया आपका। हाँ जी वेदों का बहुत महत्व था, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं बोर्ड पे कितना ही करा देता, नहीं दिमाग में बैठती ऐसी बातें जैसे आपस में बात करके बैठ जाती हैं। चलो यहां तक होगी सारी बात। चलिए बिल्कुल मनोविज्ञान की क्लास कराऊंगा, लेकिन राजस्थान वालों यार आप शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे ये बात। चलिए सबसे पहले वो आर्य लोग जब आए तो नॉर्थ इंडिया था, उसमें किस राज्य में आकर बसे थे बताइए? सर मैंने तो बेल आइकन भी ऑल किया हुआ है फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आती है, समझ सकता हूं मैं यार, 6 लाख स्टूडेंट सब्सक्राइब किए हुए हूँ और 64 आए ऑनलाइन, तो आप समझ सकते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग। बताइए सबसे पहले किस राज्य में बसे थे? नहीं, यूपी में नहीं, आंसर आएगा पंजाब में। सपना बिल्कुल ठीक कहा आपने, सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे और ये सभ्यता आपकी, कई बार ये पूछा जाता है ग्रामीण थी या शहरी थी, ये ग्रामीण थी, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी थी, याद रखना आप, हड़प्पा वाले शहरी थे, ये ग्रामीण लोग थे। ठीक है अगर आपसे पूछे कि जो आर्य लोग थे उनका धर्म ग्रंथ कौन सा था, तो आप बोलोगे वेद। क्या बोलेंगे? वेद। ठीक है अब वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, या फिर कहें कोई पवित्र चीज, या फिर कहें आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है और वेदों की संख्या की बात करें तो इस टाइम पर 4 वेद लिखे गए। कितने वेद लिखे गए? 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके अब थोड़ी सी वेदों के बारे में आपसे बात करता हूं। सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्या करें हीरा सिंह जी, आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो यार, वहां नोटिफिकेशन पहुंचा दिया करूंगा। हाँ जी वेदों का अर्थ जानना भी होता है ममता देवी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ये वेद 4 थे, इसमें सबसे ओल्डेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा होगा? आयान शेख जी कैसा आइडिया दे रहे हो, ये एक बार सब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे? ऋग्वेद। हाँ जी आंसर आएगा ऋग्वेद। देखिए यूपी टाइट का भी कुछ नहीं कह सकते यार, ऋग्वेद बिल्कुल ठीक कहा। सारस्वत, खुशबू, किरण बिल्कुल ठीक कहा आपने, रवि मलिक, गजानंद शर्मा, प्रज्ञा गुप्ता, सरोज पाठक, प्रिया पासवान, बिल्कुल ठीक कहा ऋग्वेद। अब ये जो वेद
लिखे गए थे लोगों के द्वारा वो कौन सी लैंग्वेज में थे। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ये लैंग्वेज कौन सी थी। ये वैदिक पीरियड हम दो क्लास में कवर करेंगे। आपको दिखाऊं मैंने कितना कंटेंट लिखा हुआ है आपके लिए। देखो दिखा ये वाला नजदीक नजदीक, ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ये लिखा हुआ है वैदिक पीरियड के मेन मेन सारी चीजें। उसके बाद ये लिखा हुआ है, ये इतने हैं देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसीलिए दो क्लास लूंगा इसकी। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप BTS स्टूडेंट लिखकर भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। संस्कृत थी, बिल्कुल ठीक कहा, संस्कृत थी। सपना आपने और निशु जिन लोगों ने कहा है। हाँ जी, डेली का टाइम 4 बजे का, ये SST वालों के लिए। हाँ जी चलिए, संस्कृत थी। अब आपने वेदों का नाम तो सुना है, लेकिन आपने वेदांग का नाम भी सुना होगा। वेदों में और वेदांग में क्या फर्क है? वेदांग क्या होते हैं मुझे बताइए, वेदांग क्या होते हैं? थैंक यू सो मच एवरीवन, जिनको क्लास अच्छी लग रही है, देखने वाले जितने उतने लाइक भी कर दो, मजा आएगा। वेदांत क्या होते हैं? गजेंद्र शर्मा बताइए, गजानंद शर्मा जी बताइए। वेदों के एक अंग, पूजा राणा बिल्कुल ठीक कहा आपने। वेदांग 6 होते हैं चलिए, लेकिन ये वेदांग आखिरकार है क्या? हाँ जी बताइए उमा जी। देखिए वेदों के अंदर एक चीज बताना चाहता हूं, जैसा आपने कहा कि ये वेदांग वेदों के अंग है, और इनके अंदर शिक्षा व्याकरण और ज्योतिष का वर्णन है, और ये टोटल है 6। हाँ जी, इनकी एक कैटेगरी है ये। वेद एक बड़ी चीज हो गई, वेदांग क्या हो गई? एक छोटी चीज हो गई। जैसे कि आपने देखा होगा, एक तो पूरी की पूरी आपकी बुक होती है, एक उसकी कुंजी हो जाती है। जो ये छोटे हैं, ये संख्या में 4 नहीं है, ये संख्या में 6 है। और ये बेसिकली किन चीजों के ऊपर बेस्ड है? शिक्षा व्याकरण और जो ज्योतिष होती है, इन चीजों के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल भैरूलाल जी, मैं रीट की साइकोलॉजी जरूर पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर्स कराऊंगा, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि टेंशन ना लें आप। 6 होते हैं और वेदों से छोटे होते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। मैंने आपसे पढ़कर 110 लाऊंगा एग्जाम में, फिर आपको मेल करूंगा। थैंक यू सो मच 360, मैं वेट करूंगा इस चीज का। चलिए अब वेदों की जो रचना हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी? अब देखिए, जो वैदिक काल था उसमें सबसे पवित्र इस नदी को ही माना जाता था। बताइए सर, मेरी मोबाइल खराब हो गई थी जब आपके स्टूडियो बन रहा था उस टाइम, अब बन गया है ना सर? एक बार दिखा दीजिएगा शशि जी, कल दिखाऊंगा। बताइए सरस्वती, बिल्कुल ठीक का मंजीत आपने, कोमल खुशबू जी सरस्वती होगा, रजनी वोरा, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। बताइए आंसर क्या होगा? सरस्वती, बिल्कुल ठीक है। और ये सबसे होली रिवर थी बताना चाहता हूं। चलिए वेदों की रचना हुई सरस्वती नदी के किनारे, लेकिन अब देखो यहां पर दो चीजें लिख लो। वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? सरस्वती, सबसे पवित्र नदी थी, लेकिन सबसे ज्यादा यूज वो किस नदी के पानी का करते थे? अब देखो, कोई नदी पवित्र होना और मेन होना अलग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसका होता था? सबसे ज्यादा यूज होता था सिंधु नदी का। सिंधु नदी का नहीं, सबसे ज्यादा यूज सिंधु नदी का करते थे, जैसे कि पानी वानी के लिए और XYZ जितनी भी चीजों के लिए, लेकिन पवित्र सरस्वती को मानते थे। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका मुख्य पेशा क्या था? अगर इनके मुख्य पेशे की बात करें तो फार्मर थे और पशुपालन भी करते थे, याद रखना ये पशुपालक भी थे। चलिए अब इनके महत्व, इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन सा था, ये जानना चाहता हूं मैं वैदिक काल के पीरियड में। हाँ जी, कैटल ब्रीडिंग, बिल्कुल शाश्वत जी, बिल्कुल ठीक का सर। नोटिफिकेशन आ जाता है कुछ लकी स्टूडेंट्स के पास, काऊ बोल रहे हैं। आपने अंदाजा तो ठीक लगाया कि भाई फार्मर वगैरह होंगे तो दूध वूध पियेंगे। आराधना अनूप जी, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, आंसर आएगा हॉर्स। निधि गुप्ता, बिल्कुल ठीक कहा। अब देखो कितनी अजीब बात है कि इससे पहले की जो जनरेशन थी सिंधु घाटी वाली, उन्होंने घोड़ा कभी लाइफ में देखा ही नहीं था, लेकिन
ये जो वैदिक पीरियड आया उसमें जो घोड़ा था वो मेन जानवर बन गया। तो वैदिक जो काल था सर, अब नोटिफिकेशन आने लगा है। हाँ थोड़ी 10 मिनट हो गए ना लाइव चलते, अब धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगा। तो घोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट बन गया फिर बाद में, याद रखना कि घोड़ा हो गया था फिर इंपॉर्टेंट। और ये रीट वालों के लिए और सीटेट वालों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। सबसे प्रिय देवता कौन था इनका? जैसे कि आपने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे था तो पशुपति सबसे इंपॉर्टेंट थे और वो मातृदेवी सबसे इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यहां पर इंद्र हो गए थे। आराधना, सुशील, पूजा, प्रिया। अब आप सोच रहे होंगे इंद्र कैसे हो गए, एक लॉजिक बताता हूं। ये फार्मर थे, तो ये इन इनकी विश क्या होगी? इनकी विश ये होगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है खेती होनी चाहिए, हमारे पशु सेफ रहने चाहिए। तो इंद्र से, इंद्र के हाथ में सारी चीजें कंट्रोल मानते थे, तो इंद्र देवता को। बेस्ट बुक्स फॉर सीटेट, खुद के नोट्स जी। खुश, नमस्कार जी, नमस्कार। बरसात के देवता, बिल्कुल। ये अब देखो जितने भी ये देवता हैं, अग्नि का, बरसात का, इनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? इंद्र। तो इंद्र को ये मानते थे मेन। चलिए अब किस वस्तु के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी यहां पर? अब देखिए लड़ाइयां किसके लिए होती थी सबसे ज्यादा, ये भी बताओ मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि वैदिक काल के अंदर जो ढिशुम ढिशुम होती थी वो किसके लिए होती थी? दीप बिल्कुल ठीक था, आंसर आएगा गायों के ऊपर। साइको उमा जी, आप मेरा व्हाट्सएप कर दीजिए ये जो भी क्वेश्चन है आपका। थैंक यू सो मच। रजनी वोरा बोल रहे बेस्ट बुक फॉर सीटेट ओनली, बैक टू स्कूल नोट्स एंड विप्लव सर की क्लासेस। चलिए जी क्या बात है, थैंक यू सो मच। कुछ स्टूडेंट है यार जो हर क्लास को लेते हैं, हर मतलब हर स्टेप पे सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन है मिलता है आप लोगों से, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं स्मिता जी, मैं तो अब डेली क्लास ले रहा हूं पिछले 1 महीने से, आप अब डेली आइएगा। चलिए नेक्स्ट। अब ऐसी कौन सी मेटल थी जो सिंधु घाटी वाले नहीं जानते थे, ये बताओ। रिवीजन करवा रहा हूं। 8700995651 कोई टाइप कर दीजिए मेरा नंबर, फोन नहीं उठाऊंगा, मैसेज कर देना। आयरन, बिल्कुल ठीक का। आयरन की खोज इन्होंने की थी। लिख लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि किस वस्तु के लिए लड़ाई होती थी, तो आंसर आएगा गाय। लेकिन लोहे की खोज किसने की थी? आर्य लोगों ने। और आर्य लोग कौन थे? आर्य लोग थे जो आपके नॉर्दर्न इंडिया में आए, ठीक है। वैदिक लोग, आर्य लोग मतलब वैदिक लोग। सर 100 नंबर मिले थे, 2 मंथ पढ़ा था आपके चैनल से। शशि वेरी नाइस यार, यार ये सब कुछ आपकी मेहनत से होता है, सच बताऊं तो मैं। आपका इंटेंट, आपका पढ़ने का तरीका ही मतलब कि आपके नंबर लेके आते हैं, हम तो बस थोड़ी बहुत मदद करते हैं। चलिए तो याद रखना कि यहां पर जो लोहे की खोज थी वो भी आर्य ने की थी। चलिए अब देखिए क्या होता था कि यहां पर कई लोग मिलकर एक गांव को बनाते थे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहर होते थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहां पर छोटे छोटे गांव गांव होते थे, ठीक है। मान लीजिए 35-40 परिवार कहीं पर रहते हैं, उन्होंने मिलकर एक गांव बना लिया। जैसे कि कई गांव मिलकर हमारे यहाँ पर आज के टाइम पर डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, तो उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? यानी कि कई गांवों की एक इकट्ठी यूनिट को क्या कहते थे उस टाइम पर, बताइए। हाँ जी, मेरे पीछे स्मार्ट टीवी है, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये स्मार्ट टीवी है, अभी पैसे नहीं है स्मार्ट बोर्ड के। विष बोला जाता था, विष। विष का मतलब जहर वाला विष नहीं, यहां पर ये जो गांवों की जो यूनिट होती थी उसको विष बोला जाता था, जिसको क्लैन बोलते हैं। बिल्कुल शाश्वत जी, आपने बिल्कुल ठीक इंग्लिश वर्ड बताया, क्लैन। चलिए रेनू बोल रही है संप्रदाय, क्या बात है, दिमाग तो आपने ठीक लगाया, हिंदी आपकी काफी अच्छी होगी, आई कैन से दैट। विष, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च अधिकारी आपको पता है राजा होगा, जिसको राजन बोला जाता था उस टाइम पर। चलिए राजा का जो सलाहकार होता था, प्राइम मिनिस्टर टाइप का, उस टाइम पर कौन होता था बताइए?
अरे ये बैकग्राउंड तो 1 मिनट में अपने आप चेंज होने लगता है। मंत्री परिषद नहीं, मंत्री बिल्कुल नहीं, पी से नाम शुरू होता है। पुरोहित क्या नाम है? स्मिता जी, स्मिता रस्तोगी। वैसे आप हर सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं कनक पांडे, थैंक यू सो मच। जो स्टूडेंट डेली आते हैं ना, मैं उनको वो साइन दे देता हूँ, ब्लू साइन, ताकि मुझे नजर बनी रहे। तो जो डेली आएगा ना, उनका नाम ब्लू होके दिखने लगेगा। मैं ये आपको पावर दे दूंगा, ठीक है ना? अब 2 दिन से मैं डेली देख रहा हूँ कौन क्लास में आ रहा है। तो आप डेली आओगे तो मेरी नजर आप पर बनी रहेगी, और आपका नाम जो होगा ना, ये अलग से दिखेगा ब्लू कलर में। वो पावर मैं आपको दे दूंगा। और उससे क्या होगा, कोई बकवास भी आके करे तो आप किसी के नाम पर भी क्लिक करके उसको ब्लॉक भी कर सकते हो यहाँ पर मैसेज करने से। ये पावर भी आपके पास रहेगी, ठीक है ना? तो आप डेली आओ, जो डेली आएगा मैं देख लूंगा उनमें से कौन होगा। चलिए आंसर होगा पुरोहित। अब वैदिक काल के 2 महान पुरोहितों के नाम बताओ। अब देखिए, वैदिक पीरियड जब था तो 2 महान पुरोहित थे उस टाइम पर, कौन कौन से बताइए। दोनों के नाम वी से शुरू होते थे। हाँ जी, नहीं पतंजलि बिल्कुल भी नहीं थे, नहीं चाणक्य बिल्कुल भी नहीं थे। अरे चाणक्य वगैरह तो इसके बाद आएंगे यार, आप हिस्ट्री को कनेक्ट करके पढ़ो। वो तो महाजनपद के टाइम पर आएंगे, जब वैदिक काल खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद महाजनपद आएंगे। हिस्ट्री को समझो, पहले आदि मानव वगैरह, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा हमने, अब वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं। वैदिक पीरियड पढ़ने के बाद हम कहां पर उतर जाएंगे, महाजनपद में। तब वो जो 16 महाजनपद आएंगे उस टाइम पर आएंगे, वो तो आपके चाणक्य वगैरह, तो मजा आएगा आपको, कनेक्ट करते हुए चलोगे आप लाइफ में। वशिष्ठ और विश्वामित्र, बिल्कुल ठीक कहा। पूजा, रेखा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। खुशबू, कोमल, सोनिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसी ने लिखा शिव जी के ससुर जी। अब देखो ऐसी बातें मत बोलो, गलत बात। ये वाली क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है ललिता जी? 4 बजे स्टार्ट होती है। चलिए, विश्वामित्र और वशिष्ठ याद रखना है आपको। चलिए देखिए, जो परिवार का प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था उस टाइम पर, जो मुखिया कहते हैं आज के टाइम पर, जिसे हेड होता है जो हमारे फैमिली का, उसे कुलप कहा जाता था। कुलप, कह के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, ले और पे, कुलप। चलिए अब देखिए, वैदिक काल की एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इसको आप जो एक बॉक्स के अंदर लिख लीजिए। इसके अंदर भाई आपके सीटेट में कितने नंबर आए थे? भाई मैंने एक बार सीटेट दिया था जब मैं बच्चा था, वंस अपॉन ए टाइम, तब मेरे 110 के करीब थे, और एसटेट में भी मेरे इतने ही थे। उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स के कितने आते हैं आप ये पूछ सकते हो मुझसे अलग अलग एग्जाम्स में। देखो जो मैं आपको बता रहा था, यहां पर क्या था, खास बात क्या थी कि 4 वर्णों में बांट रखा था। वही आप सिस्टम समझ गए होगे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो है उसमें बांट रखा था ये। हाँ जी बिल्कुल, यही तो मैं आपको बता रहा हूं ना। ब्राह्मण, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस बात को आप गांठ बांध लो कि भाई जो चीज आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, जिनके हमें साक्ष्य मिले हैं उनको हम हिस्ट्री में काउंट करते हैं, वरना माइथोलॉजी में काउंट हो जाती हैं चीजें, समझ रहे हो? अब आप बोलोगे श्री रामचंद्र जी का टाइम क्या था, तो वो माइथोलॉजी के अंदर चीजें हैं। अब आप पूछोगे श्री कृष्ण का, अब देखो टाइम तो यही चल रहा था वैदिक पीरियड, लेकिन उसके सबूत नहीं है तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो विश्वामित्र वगैरह का टाइम था वो वही टाइम है, समझ रहे हो मेरी बात आप? इसके बाद कनिष्क वगैरह आएंगे जब 16 महाजनपद बट जाएंगे। यहां पर अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि हड़प्पा वाले साउथ इंडिया में जाकर बस गए हैं, और जो सेंट्रल एशिया वाले लोग थे वो नॉर्दर्न इंडिया में आकर बस गए हैं, समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए आपने देखा कि भारत के अंदर
साउथ के अंदर अलग तरीके के और ऊपर की तरफ अलग तरीके के नॉर्थ इंडिया में, ये फर्क था। जो दक्षिण की तरफ लोग गए थे वो शहरी लोग थे, वो व्यापारी लोग थे, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में आके बसे वो कृषक थे, वो पशुपालन करता थे, और वो आर्य लोग थे, वैदिक लोग थे, जिन्होंने वेदों की रचना की। जो इसके अंदर दो मुख्य टीचर रहे हैं, जिनका मैंने आपको पुरोहितों का नाम बताया, उसके अलावा सरस्वती नदी का मैंने आपको इसके अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया, क्या सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसके किनारे ये लिखे गए थे, और उसके अलावा सिंधु सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज में आने वाली। ओए मैं समझा ऊपर से लाइट गिर गई, नहीं गिरी, चलो। गाय सबसे इंपॉर्टेंट थी। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना? बिल्कुल। चार वर्णों में जो समाज था वो बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक और चीज, दो महाकाव्यों की रचना इसी पीरियड में हुई। वो दो महाकाव्य कौन कौन से थे? हाँ जी, कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। अब देखो एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। देखिए, दो महाकाव्यों की इस टाइम पर रचना हुई थी, एक थी रामायण और एक थी महाभारत। अब देखो इंडिया में जो सिस्टम है कि बाय बर्थ कास्ट जो डिसाइड होती है, उस टाइम पर ये नहीं था, ये नहीं था कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, समझ रहे हो मेरी बात, और एक्स वाई जेड का लड़का एक्स वाई जेड, नहीं। काम से होता था, बाय वर्क होता था, बाय ब्लड नहीं होता था, बाय बर्थ नहीं होता था। ये जो कास्ट सिस्टम था, चार कास्ट, ये काम से था, ये बर्थ से नहीं था, ये भी आप चीज याद रखें। और महाभारत और रामायण, इन दोनों का जो निर्माण है वो इसी वैदिक काल में हुआ। अब बताओ दोस्त, अब वैदिक काल के आधे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आधे कल कराऊंगा, कल 1 घंटे की क्लास ले लूंगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चन हम कर लेंगे। अब बताओ हिस्ट्री में मजा आया या नहीं आया? जिन लोगों ने दोनों क्लास ली होगी, हमने हड़प्पा से शुरू किया और यहां तक, एक कहते हैं ना कि पिछली और इस क्लास को जोड़ते हुए पढ़ रहे हैं हम, हिस्ट्री को अंग्रेजों तक लेकर जाएंगे, अंग्रेजों तक। और आप ये देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी कि किस टाइम पर क्या था। ऐसा नहीं कि आप अखाड़ बाड़े से पढ़ रहे हो, आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, आज मध्य भारत, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हो, कल प्राचीन भारत पढ़ रहे हो, ऐसी चीजें याद नहीं होती। आपको सीक्वेंसली चीजों को पढ़ना पड़ेगा। लाइक करते चले। आज भी हमारी जो क्लास होगी वो वैदिक पीरियड से रिलेटेड होगी। एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कल हमने क्या किया था? कल हमने वैदिक पीरियड को स्टार्ट किया। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक पीरियड आता है आपका, 1000 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में। टाइम पीरियड कितना है? 1000 ईस्वी से 400 ईस्वी पूर्व के बीच में। ये आर्य लोग थे जो वैदिक पीरियड में आप जिनको पढ़ते हैं, और ये नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में आके बसे। ठीक है, देखिए हेमंत श्रीवास्तव जी, बोर्ड पर भी काफी चीजें मैं कराता हूं, ये 4 और 9 वाला सेशन मेरा ऐसे ही चलेगा कुछ दिन। चलिए ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। आपको पहली क्लास में आपको ये पता ही लग गया था कि ये ग्रामीण लोग थे, और इनका जो मेन काम था वो पशुपालन और कृषि था। ये शहरी और व्यापारी नहीं थे हड़प्पा वालों की तरह। चलिए जी, सबको गुड इवनिंग। प्रिया, उपेंद्र कुमार, ज्योति गुप्ता, नमस्कार, नमस्ते। बच्चे आ चुके हैं, स्टूडेंट आ चुके हैं। सर आप कहाँ चले गए थे? उपेंद्र कुमार जी, आई एम बैक, काफी दिन से तो मैं अब रेगुलर ही हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो वैदिक पीरियड था, इसमें चारों ग्रंथों की रचना हुई, चारों वेदों की रचना की गई। ऋग्वेद सबसे पहले इसकी रचना की गई सरस्वती नदी के किनारे। तो आप मुझे बताओ कि ऋग्वेद के अलावा बाकी के जो तीन वेद हैं वो वैदिक पीरियड में कब लिखे गए थे? उत्तर वैदिक पीरियड में या नहीं? देखो ये चीज मैं आपको बता ही देता हूं, लिख लीजिए। देखिए, जो शुरू का ऋग्वेद था वो तो एकदम से वैदिक पीरियड में लिखा था, लेकिन वैदिक पीरियड के मतलब जो लेटर पार्ट है उसका, उत्तर वैदिक काल, उसके अंदर बाकी के तीन आपके वेद लिखे गए थे। ठीक है, ये भी आप जो है ध्यान रखें। प्रिया, प्रज्ञा, कोमल, शाश्वत सिंह, बिल्कुल ठीक कहा। रत्नमाला, बिल्कुल ठीक कहा आपने, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है,
देखिए, एक आपने वेद पढ़े, फिर आपने वेदांत पढ़े, उपनिषद क्या होता है? उपनिषद क्या होता है? अब देखिए, नमस्ते पैनोरमा क्लास, श्रवण यादव। हाँ जी, देखिए एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि उपनिषद होते हैं दार्शनिक साहित्य। क्या होते हैं? दार्शनिक साहित्य। अगर आपसे पूछा जाए कि उपनिषद क्या होते हैं, तो ये दार्शनिक साहित्य होते हैं उपनिषद आपके। और उपनिषदों की रचना भी इसी टाइम पीरियड में की गई थी, वैदिक काल में। ओके, अब सत्यमेव जयते, यानी कि सच की हमेशा जीत होती है, ये तो टैगलाइन आप अब तक सुनते आ रहे हैं। तो ये जो सत्यमेव जयते है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? भावना ठाकुर, थैंक यू सो मच। वेदों के पास जाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्मिता, आंसर बताइए। हाँ जी, बैकग्राउंड चेंज होता रहता है पीछे। सर, मिस्टर अजय सोलंकी जैसी कोई भी एनसीईआरटी हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता सर, प्लीज। वेरी नाइस, राष्ट्रपति भवन का एड्रेस आपको दे देता हूं, एक मेडल दिला दीजिए। मुंडकोपनिषद, बिल्कुल ठीक का आंसर हुआ मुंडकोपनिषद। चलिए आगे देखिए। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप हिस्ट्री को जब भी पढ़े, तो एक टाइम फ्रेम जो है आप अपने दिमाग में रखें। जैसे कि इससे पहले, वैदिक काल से पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता। अब उत्तर वैदिक काल के बाद, यानी कि जब वैदिक पीरियड आपका फिनिश होने लगेगा, उसके बाद 16 महाजनपदों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपद कब अस्तित्व में आए, तो आप बोलेंगे उत्तर वैदिक काल के बाद। ठीक है ना? तो आंसर क्या आएगा? उत्तर वैदिक काल के दौरान ही 16 जो महाजनपद थे वो बने थे। चलिए अब आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले इन लोगों ने किया? बताइए, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले वैदिक काल में किया गया? लाइक और शेयर कर दो सभी पहले क्लास को। बिल्कुल ठीक कहा ज्योति गुप्ता आपने। देखिए, उपनिषद 108 हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पुराणों की बात करें तो पुराण भी इसी टाइम लिखे गए थे, और पुराण 18 हैं। पुराण कितने हैं? 18। देखिए, लोहा नहीं होगा, देखिए तांबा होगा। लोहे का भी इन्होंने किया था और तांबे को भी इन्होंने शुरू किया। अब देखिए, जो लोहा था उसका यूज नहीं करते थे हड़प्पा वाले, इन्होंने स्टार्ट किया। और वैसे ही तांबे को भी इसने यूज किया, लोहा और तांबा दोनों को यूज करना इन्होंने स्टार्ट किया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि वैदिक पीरियड में लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था? बताइए, किस चीज का ज्ञान नहीं था? अब देखिए, टोबैको, तंबाकू, ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है एग्जाम में कि तंबाकू का ज्ञान जो है, तंबाकू क्या होता है, टोबैको क्या होता है, वैदिक काल में नहीं पता था किसी को, तो तंबाकू का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। अगर प्रमुख भोजन की बात करें तो जौ और चावल, अगर सबसे ज्यादा भोजन की बात करें वैदिक काल के लोगों की, तो जौ और चावल सबसे ज्यादा वो खाने में पसंद करते थे। ठीक है, और मुख्य लक्षण इनका क्या था? प्रकृति की उपासना, क्योंकि ये फार्मर थे और फार्मर हैं तो नेचर के अंदर इनको बिलीव करना पड़ेगा, तो ये नेचर के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे। ठीक है, आरंभिक वैदिक काल में जब वैदिक काल शुरू हुआ, तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? जन्म के ऊपर बेस्ड थी या किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? चार वर्ण थे आपको पता है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो ये किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? बिल्कुल एग्रीकल्चर के ऊपर, जो ये पूरी वो थी और इंद्रदेव की पूजा करते थे। देखिए, ये काम के ऊपर बेस्ड थी, वर्क के ऊपर। अर्पिता शुभम, बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, जन्म के ऊपर नहीं थी ये, काम के ऊपर थी, वर्क के ऊपर बेस्ड थी। ये भी आपको जानना होगा, ये तो मैंने कल की क्लास में ही बता दिया था जब हमने ये चीज शुरू की थी। चलिए देखिए, ऋग्वेद के अंदर, देखिए ऋग्वेद के अंदर एक शब्द है पुरंदर। अब ये जो शब्द है पुरंदर, ये किसके लिए यूज किया गया था? जय हिंद सागर कुंडीर जी, प्रीति यादव ने कहा पिछले क्वेश्चन का आंसर वर्क, बिल्कुल ठीक कहा। बताइए, पुरंदर जो शब्द है ऋग्वेद के अंदर किसके लिए यूज हुआ है? सागर कुंडीर जी, कल भी ये कमेंट आया था आप वाला, आज भी आया है,
और ये मैं डेली सुनता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है आंसर आएगा इंद्र, बिल्कुल ठीक कहा। रश्मि, अर्पिता, रमन, हरि, रानू यादव, कोमल, सोनी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आंसर आएगा इंद्र, इंद्र को कहते थे। प्रियंका, वरुण, आपने भी आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। स्मिता रस्तोगी, राइट आंसर। रमन मिघलानी, भावना ठाकुर, प्रीति यादव, आप सबके नाम याद हो गए मुझे जो डेली क्लास में आते हैं। ज्योति गुप्ता, बिल्कुल ठीक कहा ज्योति जी, तो काफी टाइम से आती हैं क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अब देखिए ऋग्वेद के अंदर जो शूद्र हैं, शूद्रों के बारे में सबसे पहले कौन से मंडल में पता लगा है, कौन से पार्ट में पता लगा है? ऋग्वेद का कौन से मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? चौथे, दसवें, ग्यारहवें या बारहवें? चलो तुक्का आप मारिए, कौन से मंडल के अंदर, कौन से पार्ट के अंदर जो है शूद्रों के बारे में नॉलेज मिलती है, बताइए। जरूर करवाऊंगा पेडागोजी भी। दसवां, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आमीन, गुड्डन, स्मिता, रश्मि, सत्यम, दीक्षा, सोनिया, सिड, ऑप्शन कहाँ है मैंने बोल दिए, आपने सुन लिए, दसवें मंडल में। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं। अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, मंडल से रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये आता है कि कौन से मंडल में शूद्र पहली बार उल्लेख मिला है शूद्रों का, तो दसवें में। लेकिन जो सोम है, सोम देवता है, उसका जिक्र कौन से मंडल में है? अब देखिए ये उससे पहले वाले मंडल में, नाइन्थ वाले में, नौवें में। रश्मि कुमारी, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने, नौवें मंडल में ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? अब देखिए सूक्तियां आपने सुनी होंगी, तो ये कितनी सूक्तियां हैं बताइए, कितनी सूक्तियां हैं ऋग्वेद के अंदर? आप डेली जो आएंगे उनको ये ब्लू टिक दे दिया जाएगा। 1028, क्या बात है जी, बिल्कुल ठीक हरिशंकर यादव, क्या बात है, आप तो मतलब दनादन राइट आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। राज त्रिपाठी, सबसे पहले आंसर दिया आपने, वेरी नाइस। कोमल, प्रियंका, रश्मि, अमीन खान, दीक्षा कटारिया, सत्यम रोए, खुशबू मिश्रा, बिल्कुल आपके तो मैं कमेंट भी देखता हूं। गुड्डन दीक्षित, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने, 1028। चलिए आर्यों को जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, बताइए आंसर क्या होगा? एम से नाम शुरू होता है, आर्यों को जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, आंसर क्या होगा? आंसर होगा मैक्स मुलर। आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर। स्मिता रस्तोगी, बिल्कुल ठीक है आपने, मैक्स मुलर नाम का एक यूरोपियन था जिसने सबसे पहले आर्यों को एक जाति कहा कि ये आर्यन लोग मध्य एशिया से आए और ये नॉर्दर्न इंडिया के रीजन के अंदर जाकर बस गए। मैक्स मुलर, आंचल सिंह, बिल्कुल ठीक कहा। चलिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको बोला जाता है? अब देखिए चार ग्रंथ थे, तो म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा है बताइए, जो इंडियन म्यूजिक है उसका मतलब कि बेस किसको माना जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सबसे प्राचीन, सामवेद, बिल्कुल रश्मि, शुभाना, आंचल, अर्पिता, शरद, क्यूरियस टू लर्न, कोमल सोनी, रमन, हरिशंकर, नहीं जी आंसर आएगा सामवेद। हाँ जी सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए। देखिए हमारे ग्रंथों में विधि निर्माता यानी कि सबसे पहले मनुष्य कौन थे बताइए, प्रथम विधि निर्माता कौन थे, यानी कि वेदों से क्या पता चलता है कि हम सब किसकी औलाद हैं बताइए? इंदु यादव, चलिए आंसर दीजिए आप, आपके तो मैं आंसर भी देखता हूं, तो इसका आंसर दीजिए हरि, बिल्कुल ठीक कहा, मनु की। तो जब भी पूछा जाए तो आंसर आप
मनु लिखेंगे। अब देखिए योग दर्शन की रचना भी इसी टाइम पर हुई थी। अब देखिए आपने देखा कि वैदिक काल में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसा खास लिटरेचर नहीं था, लेकिन जो वैदिक पीरियड आया और फिर उत्तर वैदिक पीरियड की तरफ हम चले तो उत्तर वैदिक पीरियड में कितनी चीजें लिखी गई, इतने सारे उपनिषद, सूक्तियां, उसके बाद अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार लिखे, दो महाकाव्य लिखे गए इस टाइम पर, रामायण महाभारत, और तीन वेदों की रचना उत्तर वैदिक पीरियड में हुई। तो आपने एक चीज देखी कि जो उत्तर वैदिक पीरियड है इस टाइम पर लिटरेचर बहुत ज्यादा लिखा गया। पतंजलि ने लिखी थी यहां पर जो है योग दर्शन, यानी कि ये किससे रिलेटेड थी, योगा से रिलेटेड थी। चलिए अब इस टाइम पर एक और चीज लिखी गई थी मेडिकल से रिलेटेड, और वो लिखी थी आपकी चरक संहिता। चरक ने लिखी थी चरक संहिता, ये चीज भी आप लिख लीजिए, पतंजलि का योग दर्शन और चरक संहिता इसी टाइम पर लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए यज्ञ किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधान थे उनका पता कौन से वेद से लगता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि यज्ञों से रिलेटेड, यानी कि जो यज्ञ किए जाते थे उनका लेखा जोखा कौन से वेद से मिलता है, बताइए। नहीं, अथर्ववेद आंसर नहीं आएगा, यजुर्वेद, शबनवा बानो, रश्मि कुमारी, यजुर्वेद आंसर क्या होगा, यजुर्वेद के अंदर यज्ञों के बारे में पता लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान की खुदाई से लोहे की धातु के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, किस स्थान की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं, आंसर बताइए। रजनी वोरा, बताइए आंसर क्या होगा। आपने अतरंजी खेड़ा नाम का नाम सुना होगा, नहीं लोथल नहीं होगा, अतरंजी खेड़ा। सबसे पहले हड़प्पा कैसे हो जाएगा, हड़प्पा वालों को तो लोहे के बारे में ज्ञान ही नहीं था, ये चीज तो आप याद रखो ना। वैदिक लोगों को पता लगा लोहे के बारे में, और सबसे प्राचीन जो मिले हो अतरंजी खेड़ा नाम के स्थान से मिले हैं। आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर आप अलग अलग एग्जाम्स के देखे होंगे तो, ठीक है याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं मैं, कपिल मुनि थे जिन्होंने एक दार अपनी एक जो है बुक लिखी थी जिसका नाम था सांख्य दर्शन, ये भी आप लिख लीजिए। कपिल मुनि ने एक अपनी दार्शनिक प्रणाली लिखी जिसका नाम था सांख्य दर्शन। चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, किस वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन मिला है, टोटके वोटकों का, कौन से वेद में ये टोटके वोटकों का वर्णन मिला है, ये जादू टोना टाइप, ये ब्लैक मैजिक वगैरह। कपिल मुनि सांख्य दर्शन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी आएगा यजुर्वेद। चलिए सॉरी यजुर्वेद नहीं अथर्ववेद, सॉरी, किस वेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन है, अथर्ववेद में, सॉरी अथर्ववेद आंसर आएगा। अब जादू टोने ना तो मैं करता हूं लेकिन ये याद करना पड़ेगा आपको, अथर्ववेद होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम, ये आपने सुना होगा, ये गायत्री मंत्र है, ये जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने की थी, बिल्कुल ठीक था आपका आंसर, अथर्ववेद आएगा जादू टोने वाले का, बताइए। आदमी का नाम पूछ रहा हूं, आप तो वेद का नाम लेने लग गए, आदमी का नाम बताओ। अब देखो दो ग्रेट टीचर थे तो उनमें से एक टीचर विश्वामित्र, आंसर कहेगा विश्वामित्र ने। इस टाइम पर मैंने दो टीचर थे वे आपको बताया था, व्यास और विश्वामित्र, तो विश्वामित्र ने जो है इस मंत्र का निर्माण किया था। ठीक है, ये जो मनुस्मृति है ये किस चीज से रिलेटेड है, देखिए ये समाज की व्यवस्था से रिलेटेड है कि किस तरीके से समाज की व्यवस्था होनी चाहिए और किस तरीके से एक सोसाइटी को आपस में डील करना चाहिए। तो जब भी पूछा जाए मनुस्मृति किस चीज से रिलेटेड है तो समाज की व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक और ऋषि थे उन्होंने न्याय दर्शन की रचना की इस टाइम पर। अब देखो कितने सारा साहित्य बन रहा है, तो ये जो न्याय दर्शन था ये किसने लिखा था, आंसर आएगा
गौतम ऋषि ने, न्याय दर्शन। चलिए यह भी आप याद रखेंगे। सोने के गहने और आभूषणों को क्या बोला जाता था बताइए। ठीक है आपका आंसर रजनी वोरा, गौतम ऋषि, बिल्कुल ठीक आंसर दिया। तो आप मुझे एक चीज और बताइए यहां पर जो मैंने आपसे पूछी कि सोने के गहने और आभूषणों को क्या बोला जाता था इस टाइम पर वैदिक काल में। नहीं, मन के नहीं बोला जाता था, एन से नाम शुरू होता है, एन से। आंसर होगा निष्क। क्या बोला जाता था? निष्क, नी और वो आधा शे और कह, निष्क। ठीक है, चलिए आगे पूछता हूं। प्राचीनतम व्याकरण कौन सी थी? अगर आपसे ओल्डेस्ट ग्रामर पूछी जाए, व्याकरण की किताब सबसे पुरानी कौन सी थी बताइए। व्याकरण की सबसे पुरानी टेक्स्ट कौन सा है व्याकरण का? शिप्रा त्यागी, बिल्कुल ठीक था आपका, निष्क आंसर होगा। संस्कृत ग्रामर, अष्टाध्यायी, राज त्रिपाठी, बिल्कुल दिल जीत लिया आपने, आंसर होगा अष्टाध्यायी। और इसके लेखक कौन थे? पाणिनि। और ये ग्रामर की सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और इसके रचनाकार पाणिनि है, अष्टाध्यायी। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं। उत्तर वैदिक काल में वेद और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? ये एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। देखिए उस टाइम पर जो ब्राह्मण होते थे वे मेनली टीचर होते थे, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा रहा है जो हमेशा इनको अपोज करता है। तो जो उत्तर वैदिक काल में वेदों के खिलाफ थे और ब्राह्मणों के खिलाफ जो धार्मिक अध्यापक थे उनको क्या कहा जाता था? आपने ये वर्ड सुना होगा जो मैं आपको बताऊंगा। पुरोहित नहीं कहा जाता था, पुरोहित तो राजा के हेल्पर होते थे, एक वो प्रधानमंत्री की तरह। शर्मण बोला जाता था, शर्मण। चलो लिख लीजिए आप इसको, वैसे ही ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्या बोला जाता था? शर्मण बोला जाता था, शर्मण। चलिए तो दोस्त ये आपके कौन से हो गए? ये आपके वैदिक काल के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते हैं वो हो गए। आज मैं 10 मिनट लेट हूं, लेकिन फिर से आप लोगों के सामने सीटेट पेपर 2 रीट लेवल 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। हिस्ट्री में हम आगे बढ़ेंगे। हमने पहले हड़प्पा सभ्यता को किया, फिर वैदिक पीरियड को, फिर हमने वैदिक पीरियड को कंप्लीट किया। कल की क्लास में 2 क्लास ली थी वैदिक पीरियड की, हमने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। उसके बाद हम अब महाजनपदों की जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार आप जल्दी से आएं, फिर जो है हम आज की जो है क्लास को शुरू करते हैं। आज की हेडिंग होगी महाजनपद। 16 महाजनपद के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रमन, सोनिया, नसरीन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस लेते हैं उनको नमस्ते, नमस्कार। अब तो इवनिंग ही हो गई है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जैसा भी आप समझे। कमल सिंह बोल रहे हैं आई एम प्रेजेंट सर, वेलकम। अब हाफ सेंचुरी हो गई है हमारी लाइव देखने वालों की, लेकिन लाइक सिर्फ 10 बार है, तो रेशो बराबर करो ताकि नया स्टूडेंट भी आए तो उसे लगे कि यार क्लास जो है इंटरेस्टिंग चल रही है। कॉपी पेन ले आए हो तो अपनी क्लास को शुरू करें, जल्दी से बताओ। अगर कॉपी पेन ले आए हो तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्त एक एक क्वेश्चन जो आज की क्लास का होगा आप बोलोगे सर वी कांट मिस इट, हम मिस नहीं कर सकते। तो इसलिए सपना, रतनमाला, रमन, देव, चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, हेलो, यस, ईसीसी, सुमन वर्मा, सिंपी राय, आज होगी 9 बजे की क्लास। हाँ जी, शुरू करें क्लास को।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये जो महाजनपद थे ये 600 ईस्वी पूर्व में थे, तो 600 ईस्वी पूर्व में जो ये महाजनपद हैं इनके काउंट कितने थे, इनकी संख्या कितनी थी, टोटल कितने महाजनपद थे। महाजनपद का मतलब होता है जहां पर मनुष्य ने अपना कदम रखा हो, यानी कि एक एरिया जहां पर आदमी पहुंच गया हो। तो ये कितने महाजनपद थे? प्रिया, रमन, बिल्कुल ठीक दिया आपने आंसर, जोनीचुग, 16। चलिए फटाफट क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। सबसे पावरफुल, अगर 16 तो थे ये, लेकिन पावरफुल कितने थे इसके अंदर, 16 में से कितने पावरफुल थे बताइए। नहीं, 6 नहीं थे, 6 नहीं थे, 4 थे, 4 सबसे पावरफुल थे। एम के वी ए, एम से मगध, के से कौशल, वी से वत्स और ए से अवंती। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पावरफुल 16 में से जो सबसे पावरफुल थे, पहले नंबर पर मगध था, दूसरे पर कौशल था, तीसरे पर वत्स था और चौथे पर अवंती था, एम के वी ए। चलिए अब ये जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी के क्वेश्चन भी छांट छांट कर मैंने लिखे हुए हैं, जो सीटेट के एग्जाम में चुनिंदा पूछे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल यादव जी, बिल्कुल ठीक रखा। हाँ जी, वैसे तो 16 थे ये ओवरऑल, लेकिन 16 में से जो पावरफुल थे ना वो 4 थे सिर्फ, एम के वी ए, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। चलिए जितेंद्र जी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? अब आपको 3-4 राजधानियां याद करनी पड़ेंगी जो महाजनपदों के क्वेश्चंस में आती है। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वी से शुरू होता है, बताइए। अब लिच्छवी की राजधानी याद करने का ट्रिक ये है कि लिच्छवी तो लास्ट में वी आ रहा है ना, तो इसी से इसकी राजधानी होगी। एक छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, अब इस हिंट की मदद से ही आप याद रखेंगे। वैशाली, नेहा आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, लिच्छवी की राजधानी है वैशाली। और इसको याद करने का तरीका क्या है? लिच्छवी लास्ट में वी है ना, तो उसी को पकड़ के याद करो कि हाँ उस वी से आंसर था क्या था, वैशाली। रटना कुछ भी नहीं है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए काशी राज्य की राजधानी क्या है? काशी की, काशी। अब देखिए एक एग्जाम है केवी का, तो इसकी राजधानी भी वी से ही शुरू होगी, काशी। काशी की राजधानी क्या है बताइए। राम राम जी, किचन ऑफ संगम त्यागी, राम राम। वाराणसी, प्रिया पासवान, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने, आंसर आएगा वाराणसी। चलिए देखिए कौशल राज्य, ये पूर्वी यूपी की तरफ था, जो कौशल राज्य है उसकी राजधानी क्या थी? ये 3 राजधानियां याद करनी है। पहला कौन सी? पहला लिच्छवी की, लिच्छवी की क्या मिली आपकी? वैशाली। काशी की वाराणसी, और कौशल की क्या थी बताइए। सर आज मैं लेट हो गई, खुशबू मिश्रा, कोई बात नहीं, आज मैं भी लेट हो गया था 10 मिनट, और आप डेली आते हैं तो जो लोग डेली आएंगे उनकी पहचान हो जाएगी मुझे। हमारा भारत महान, नमस्ते, आप भी दिख गए हमें जो डेली आते हैं। चलिए सर डेली की क्लास 4 बजे की होती है। श्रावस्ती, निधि गुप्ता, जोनी चुग, सोनिया सिड, बिल्कुल आपने ठीक आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक जगह थी जो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी आगे, वो थी कपिलवस्तु। ये जो कपिलवस्तु थी ये शाक्यों की जो है अंडर आती थी, ये कपिलवस्तु शाक्यों के अंदर आती थी और ये कौशल के अंदर थी। ठीक है, ये जो कौशल राज्य था उसके ऊपर शाक्यों का राज था और कपिलवस्तु उसके अंदर आता था।
और कपिल वस्तु की दो राजधानी थी। जो आपको बताऊं कि कौशल की दो, जो कौशल है दोस्त उसकी श्रावस्ती तो राजधानी थी, लेकिन जो दो जगह है यहां पर कपिल वस्तु और लुम्बिनी, इनका लेना देना आगे चल के किससे होगा? इनका लेना देना आगे चल के होगा आपके गौतम बुद्ध से। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जो दो तीन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताते चलूं। चलिए अब देखो शुरुआत कहां से करें। अब ये तो मैंने ओवरव्यू दिया कि टोटल 16 थे, पावरफुल 4 थे। अब सबसे पावरफुल को स्टार्ट करते हैं, मगध। चलिए बिंबिसार मगध का राजा कब बना? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो बिंबिसार था वो मगध का राजा कब बना, बताइए। 544 ईस्वी पूर्व में, लिख लीजिए, बिंबिसार मगध का राजा 544 ईस्वी पूर्व में बना। और उसकी राजधानी भी कई बार पूछी जाती है कि जो बिंबिसार है उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी थी ग्रीवरज। क्या थी? ग्रीवरज, जिसको राजगृह भी बोला जाता है। हाँ जी, जिसको क्या बोला जाता है, बिल्कुल ठीक लिखा आपने अंजलि शर्मा, 544 AD, 544 ईस्वी पूर्व में। और ये जो आपका बिंबिसार था इसने 52 साल राज किया, आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूं, इसने 52 साल राज किया, उसकी राजधानी थी गिरिव्रज। अब बिंबिसार जो था उसका वंश कौन सा था? अब आप समझ जाएंगे कि मैं किस वंश की आपको 16 महाजनपदों में सबसे पहले कौन सा वंश कराने वाला हूं। हाँ जी, माई फर्स्ट लेक्चर, आई एम न्यू ऑन दिस चैनल, दीवान यादव जी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, मजा आएगा, आपकी बहुत मदद की जाएगी। यहां पर सोनिया सेठ बिल्कुल ठीक जवाब दिया, ये जो बिंबिसार था इसने मगध के ऊपर सबसे पहले राज किया, हरियक वंश था इसका। कितने साल राज किया इसने? 52 साल। ग्रीवरज इसकी राजधानी थी, जिसको राजगृह भी कहा जाता था। बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ गए हो आप, हरियक वंश का नाम आएगा तो बिंबिसार आपके नाम के जो है दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो बिंबिसार था उसके बारे में 3-4 चीजें लिख लो, ये हरियक वंश आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। उसका वंश था हरियक वंश। अब देखिए इसने एक बंदरगाह, यानी कि जहां पर जहाज खड़े होते हैं पानी के, एक राज्य था अंग, अंग राज्य, उस अंग राज्य की एक बंदरगाह थी चंपा। तो इसने उस चंपा बंदरगाह को जीत लिया था। इसकी एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने अंग देश के बंदरगाह चंपा को जीत लिया था। उसके बाद यह किस धर्म को मानता था? यह जो बिंबिसार था यह बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई? इसके बेटे अजात शत्रु ने इसकी हत्या कर दी, याद रखना। मृत्यु कैसे हुई? बेटे अजात शत्रु ने हत्या कर दी। अब आप हरियक वंश का जो स्टार्ट था वो कैसे हुआ, हरियक वंश का जो बिंबिसार था उसकी राजधानी कितनी थी, उसकी अचीवमेंट कितनी थी, उसने 52 साल जो राज किया उसके अंदर क्या क्या हुआ, उसका मैंने मेन आपको वो चीज बता दी है। फाउंडर वही था हरियक वंश का, और उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी फिर लास्ट में। और उसके लड़के का नाम क्या है बिंबिसार के का? अजात शत्रु। अब अजात शत्रु कौन से वंश से हुआ? हरियक वंश से। बिंबिसार कौन से वंश से हुआ? हरियक वंश से। तो आप ये सारी चीजें कनेक्ट करते हुए चलें और जो समझ में आ रहा है उसको लिखते हुए चलिए। चलिए अब अजात शत्रु की बात करते हैं। चलिए अब अजात शत्रु अब लिख लिखें तो लिख सकते हैं कि उसने जो शादी की वो कौशल का, उस टाइम पर जो राज्य था कौशल, उसके राजा थे प्रसेनजीत, उसकी पुत्री वृजा के साथ उसने शादी की। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अजात शत्रु ने किया, उसने जो आज के टाइम का पटना है उसके, उसको पाटलिपुत्र कहा जाता है उस टाइम पर। तो पाटलिपुत्र को बनाने वाले, पाटनी जो पुत्र है उसकी स्थापना करने वाला कौन था? ये अजात शत्रु ही था, जो हरियक वंश का दूसरा सम्राट था अपने पापा बिंबिसार को टपकाने के बाद। चलो यहां तक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है ना। और उसने शादी किससे की? कौशल का जो राजा था उसकी पुत्री से, जिसका नाम वृजा था। चलिए यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है
कि जो अजात शत्रु था उसने अपने पापा को टपका दिया था, इसलिए उसको पितृहर्ता की उपाधि दे दी गई थी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पितृहंता, हंता सॉरी, हंता का मतलब अंत करने वाला, पितृहंता जिसने अपने पिताजी का अंत कर दिया हो, तो पितृहंता की उपाधि किसको मिली थी? तो याद रखना यह अजात शत्रु को मिली थी। चलिए, नोटिफिकेशन नहीं आया आज, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, उसके जो अजात शत्रु का जो लड़का था, वो अजात शत्रु के बाद जो है राजा बना, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो बिंबिसार था दोस्त, जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन ये जो अजात शत्रु हुआ उसने बौद्ध धर्म को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी और उसने जैन धर्म को भी इतनी इंपॉर्टेंस दी। तो अगर आपसे पूछे कि पहला राजा जिसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को एक समान इंपॉर्टेंस दी, तो वो कौन होगा? वो अजात शत्रु ही होगा। अजात शत्रु ने बौद्ध और जैन दोनों को इंपॉर्टेंस दी। चलिए, और उसने पाटलिपुत्र जो शहर था उसकी स्थापना की। अब एक और चीज थी, देखो ये जो हर्यक वंश था उसके जो पहला राजा था बिंबिसार, उसने बौद्ध धर्म को काफी हेल्प की जब वो बौद्ध धर्म फल फूल रहा था इसी टाइम पर। तो जब अजात शत्रु आया सिंहासन पर, तो उसने बौद्ध धर्म की पहली संगीति का जो है आयोजन किया। तो जो पहली समिट थी बौद्ध धर्म की वो अजात शत्रु के टाइम पर ही हुई। अब देखो जो बौद्ध संगीति है उसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं। अकाअक हो गई याद, अकाअक ऐसे अजात शत्रु, का से कालाशोक, फिर ऐसे अशोक और फिर कैसे कनिष्क। तो जब भी आपसे पूछे कि संगीतियां किस किस ने करवाई थी, तो आप बोलेंगे अकाअक ऐसे अजात शत्रु, का से कालाशोक, ऐसे फिर अशोक और फिर कैसे कनिष्क। अब यार ये अजीब सी थी ये ट्रिक, लेकिन ये मैंने ईजाद की थी तो ये इसलिए थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन हेल्प आपकी जरूर करेगी। तो जो पहली संगीति थी वो इसी ने करवाई थी। चलिए, अब अजात शत्रु का जो लड़का था उसका नाम क्या था? उसका नाम था उदयभद्र। उसका नाम क्या था? उदयभद्र। और उसका निक नेम क्या था? उड्डिन। आप उड्डिन के नाम से उसको ज्यादा पढ़ेंगे आगे, लेकिन उसका असली नाम क्या था? उदयभद्र। ठीक है, उदयभद्र। चलिए, अब आपसे यह पूछा जाएगा, देखो ये जो उड्डिन था उसने एक काम क्या किया? उसने एक काम यह किया कि जो शहर था पाटलिपुत्र जिसको बसाया था किसने? उसके पापा ने, अजात शत्रु ने, उस पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया मगध की। तो क्वेश्चन आता है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाने वाला जो है राजा कौन था? तो उड्डिन था, लेकिन उसको बसाने की बात करें तो अजात शत्रु, लेकिन उसको राजधानी बनाने की बात करें तो आंसर आएगा उद्दिन ने, उदयभद्र ने। तो ये जो एक डिफरेंस है ये भी आप याद रखेंगे पाटलिपुत्र को लेकर। हाँ जी, हाँ जी। अब ये चीज आपको समझ में आ गई सारी चीजें। अब हर्यक वंश को जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे। हर्यक वंश में आपने कितने राजा को पढ़ा? हमने हर्यक वंश में सबसे पहले किसको पढ़ा? सबसे पहले हमने यहां पर पढ़ा था आपके जो है अजात शत्रु को, बिंबिसार को, बिंबिसार का लड़का अजात शत्रु, और अजात शत्रु के बाद हमने पढ़ा यहां पर उड्डिन को। चलिए, अब एक लास्ट आप लिख लीजिए कि हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था। देखिए, जो हर्यक वंश था वो बर्बाद हो गया था क्योंकि उड्डिन का जो थर्ड लड़का था वही लास्ट आदमी बचा, और उसका नाम क्या था? नागदशक। याद रखना उसका नाम क्या था? नागदशक। और ये कौन था? उड्डिन का तीसरा बेटा। यहीं तक ये वंश चला, उसके बाद ये वंश वैनिश हो गया। अब हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश गद्दी पर बैठा? शिशुनाग। अब याद करने में कहां पर हो गया आसानी कि हर्यक वंश का जो लास्ट था उसका नाम था नागदशक,
और जो नेक्स्ट जो राजगद्दी पर बैठे, नाम मिलता जुलता है, नाग दशक तो हरियक वालों का लास्ट हो गया, लेकिन शिशु नाग जो है वंश था, और शिशु नाग जो व्यक्ति था उसने अपने वंश का नाम अपने ही नाम से रखा, शिशु नाग वंश, और वही जो है बैठ गया मगध की गद्दी पर। तो यहां तक हमने क्या समझा, हमने जो मगध का जो पहला वंश था हरियक वंश, उसको काफी डिटेल से हमने समझा। और ये जो नाग दशक था, ये सेनापति था उसका, जो उड्डन का जो तीसरा लड़का था नाग दशक, उसका सेनापति था शिशु नाग। उस सेनापति ने सेना अपनी कर ली और उसको टपका दिया, तो फिर ये हरियक वंश हट गया और शिशु नाग वंश जो है राजगद्दी पर बैठ गया। चलो यहां तक आपको बात समझ में आई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो थे वो मैं आपको बता चुका हूं कि बिंबिसार किस धर्म को मानता था, उसका लड़का अजात शत्रु किसको मानता था, अजात शत्रु के टाइम पर मैंने आपको बताया बौद्ध संगीति भी हो गई, पितृहंता किसको बोला जाता है, अजात शत्रु को, क्योंकि उसने बिंबिसार को मार दिया था, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी अजात शत्रु के टाइम पर आई थी 400 BC में, याद रखना कब आई थी 400 BC में, और कहां पर आई थी, राजगृह में, कहां पर दोस्त, राजगृह में आई थी, ये आपको याद रखना है, राजगृह में। और जो अजात शत्रु था वो बिंबिसार वाला बौद्ध धर्म भी मानता था, लेकिन उसने जैन धर्म को भी उतना ही संरक्षण दिया। चलिए, और मगध की पाटलिपुत्र राजधानी बनी उद्दिन के शासनकाल में, लेकिन पाटलिपुत्र को बनाने वाला कौन था, बनाने वाला था आपका अजात शत्रु। अब देखिए, अजात शत्रु का एक निकनेम भी था, अजात शत्रु यानी कि उड्डिन का पापा और बिंबिसार का लड़का, उसका एक निकनेम भी था कुणिक। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो कुणिक था है ना, वो किसका नाम था, वो अजात शत्रु का ही नाम था कुणिक, यह भी आपको याद रखना है। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो हम पहला वंश जो पढ़ चुके हैं, अब ऑब्वियसली बात है हरियक वंश के बाद हम शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे। चलो इसको हम कंप्लीट कर ही देते हैं यार, फिर कल जो है फिर मौर्य काल को पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो आज ये महाजनपद वाला चैप्टर पूरा कर ही देते हैं। चलो अब शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग, सेम आदमी। चलो अब शिशुनाग के बाद कौन मगध की गद्दी पर बैठा, अब देखो शिशुनाग के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था क्या, कालाशोक। क्या नाम था, कालाशोक। तो अब देखिए कालाशोक आ गया तो क्या होगा, दूसरी बौद्ध संगीति इसने आयोजित की, पहली किसने की थी, अजात शत्रु ने, दूसरी किसने की, कालाशोक ने। कालाशोक किसका बेटा, शिशुनाग का। शिशुनाग कौन, जिसने हरियक वंश के लास्ट सम्राट को टपकाया और खुद मगध का जो है राजा बन गया। तो कालाशोक शिशुनाग वंश का दूसरा राजा था जो मगध की गद्दी पर बैठा और उसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया। यहां तक बताओ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है चीजें या नहीं है आपके दिमाग में। अब इंटरेस्टिंग बनेगी क्लास, तो हिस्ट्री भी आपको अच्छी लगेगी, ऐसी बात नहीं है, है ना, बताइए। अंजी, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ सारी चीजें, चलिए थम्स अप आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कालाशोक का नाम कालाशोक क्यों रखा गया, दो चीजें मैंने लिख रखी है कि उसका वर्ण काक रंग का था, काक का मतलब वो है काला, यानी कि ही वाज ब्लैक कलर्ड, यानी कि उसका जो रंग था वो थोड़ा सा पक्के कलर का था, काले काले कलर का था, इसलिए उसका नाम कालाशोक रख दिया गया था, यह भी आप याद रखिए। चलिए अब जैसा मैंने बताया कि जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई वो कालाशोक के टाइम पर हुई 383 ईस्वी पूर्व में, 383 BC में, ईस्वी पूर्व में। अब देखो एक चीज मुझे बताओ, पहली संगीति 400 BC में, दूसरी कब हुई, 383 ईस्वी पूर्व में, लेकिन ये जो दूसरी जो संगीति थी बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें ब्रैकेट में एक चीज लिख लो कि दूसरी संगीति के टाइम पर क्या क्या मेन चीज हुई कि जो बौद्ध धर्म था वो दो पार्ट में टूट गया। अब तक
एक ही था। अब महायान और हीनयान दो पार्ट में टूट गया, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि महायान और हीनयान किसके टाइम पर टूटा था, तो ये काला शोक के टाइम पर टूटा था। ठीक है, काला शोक के टाइम पर जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी हरियक वंश के टाइम पर, जब जो है वो अजात शत्रु था। ठीक है, चलिए, काला शोक के टाइम पर सेकंड जो है हुई है वो राजगृह में हुई थी, ये बिहार के अंदर वैशाली में हुई। ये कहां पर हुई? बिहार के अंदर वैशाली में, वो राजगृह में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और हीनयान और महायान दो पार्ट के अंदर इसमें क्या हुआ कि बट गया जो है बौद्ध धर्म आपका। अब एक चीज और लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी इसके अंदर 700 आदमियों ने पार्ट लिया था। कितने आदमियों ने पार्ट लिया था? 700 आदमियों ने। इसलिए इसको सप्तशतिका के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी यूज हो वर्ड सप्तशतिका तो ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेट करेगा, क्योंकि इस बुद्धिस्ट काउंसिल में 700 लोगों ने पार्ट लिया था, इसलिए इसको सप्तशतिका के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये भी आप चीज लिख लीजिए, क्लास में मजा आ रहा होगा ना। चलिए, अब शिशुनाग वंश का भी हम अंत करते हैं। इनका जो अंतिम राजा था वो कौन था? इनका अंतिम राजा था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। तो अब देखिए, दो वंशों को आप पढ़ चुके हैं, पहला हरियक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश। शिशुनाग से शुरू हुआ, उसके बाद काला शोक पर आया, फिर काला शोक तक ही आपको इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं बता चुका हूं, उसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है ऑर्गेनाइज किया। और जो नंदीवर्धन है वो शिशुनाग वंश का अंतिम जो है शासक था, नंदीवर्धन। चलिए, अब जो शिशुनाग वंश था उसके बाद मगध की गद्दी पर तीसरा वंश कौन बैठा, बताइए, तीसरा वंश कौन बैठा? अब देखो, नंदीवर्धन तो नाम के अंदर से ही निकाल लो, नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश, याद रखना, नंद वंश। हाँ जी, और ये इसका पहला राजा कौन था नंद वंश का? महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। चलिए, अब देखो, आपने एक चीज ध्यान दी, इंटरेस्टिंग क्या चीज आपने नोटिस की जो मैंने की, कि जैसे ही जो शासन बदले हैं, नाम कुछ प्रीवियस राजा से मिलता जुलता हो गया। जैसे कि हरियक वंश का जो लास्ट था वो नागदशक था, फिर जो अगला जो वंश आया वो शिशुनाग वंश आया। तो मतलब कि ये सिनेरियो हुआ कि भाई जो राजा होगा ना उसके नाम से मिलता जुलता वंश आएगा। तो नागदशक जो था वो हरियक का था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया। जब ये आपका जो है शिशुनाग वंश का जो लास्ट शासक था वो नंदीवर्धन था, तो जो अगला जो वंश आया वो भी इसके नंदीवर्धन के नाम से मिलता जुलता आया, नंद वंश। और नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था। चलिए, कौन था? महापद्मनंद। अब ये नंद वंश से एक और क्वेश्चन आता है कि इसका अंतिम राजा कौन सा था? बताओ, इसका अंतिम राजा कौन सा था? जल्दी से मुझे बताओ। नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद। अब ये धनानंद कौन था? जिसने चाणक्य की बेइज्जती की थी, और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसके खिलाफ तैयार किया और उसको राजगद्दी पे से हटा दिया। अब आप देखो, आपने और मैंने हिस्ट्री कहाँ से शुरू की थी? आपने और मैंने हिस्ट्री शुरू की थी हड़प्पा सभ्यता से। अब हड़प्पा सभ्यता से कैसे हम कहां तक आ चुके हैं? वहां तक आ चुके हैं हम जहां पर दो, यहां पर आप कहां तक आ चुके हैं कि यहां पर बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आ चुका है, और बौद्ध धर्म दो पार्ट में भी बट चुका है, दो संगीतियां हो चुकी हैं, तीन वंश निकल चुके हैं। सबसे पहले तो आपने शुरू किया हड़प्पा से, फिर आप वैदिक पीरियड में आए, फिर हमने उत्तर वैदिक पीरियड को डिस्कस किया। उत्तर वैदिक पीरियड के बाद हमने 16 महाजनपदों की बात की अच्छे से आज के सेशन में, उसमें से जो चार सबसे स्ट्रोंग थे उनके बारे में, और जो सबसे स्ट्रोंग था मगध, जहां से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हमने बात की। जो मगध था
उसके ऊपर राज करने वाले तीन वंशों की बात की हमने, पहले हरियक वंश, फिर शिशुनाग वंश और फिर उसके बाद नंद वंश। महापरमानंद से शुरू हुआ, धनानंद पर अंत हुआ और उसके बाद मौर्य वंश आया। तो हम मौर्य काल तक पहुंच चुके हैं। और हम धार्मिक तौर पर अगर देखें हिस्ट्री को, तो धार्मिक तौर पर हम ये देख चुके हैं कि जैन धर्म को भी अब राजाओं का संरक्षण मिलने लग गया है। आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो हरिय बिंबिसार था, बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन उसके लड़के अजातशत्रु ने क्या किया, जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। तो जैन धर्म भी अब जो है पिक्चर में आ चुका है और बौद्ध धर्म तो डेवलप हो ही चुका है। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक आपने देखा कि पहली बौद्ध संगीति हो चुकी थी अजातशत्रु के टाइम पर, अब दूसरी भी हो चुकी है कालाशोक के टाइम पर। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो तीसरी संगीति कब होगी, थर्ड समिट कब होगी वो पढ़ेंगे, किस तरीके से ये जो महायान और हीनयान आए हैं कुछ डिफरेंस आए होंगे तभी ये धर्म अलग हुआ, तो क्या रीजन थे। आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के पास है गुप्त साम्राज्य, गुप्त के पास उत्तर गुप्तोत्तर काल और फिर बीच में दोनों धर्मों के बारे में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये हिस्ट्री सारी चीजें चलती चली जाएंगी ऐसी हिस्ट्री की। पसंद आ रही हो क्लासेस तो लाइक करना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ डिस्कस करने में चीजें। और हिस्ट्री जितनी बोरिंग लगती है उतनी बोरिंग होती नहीं है। सिकंदर के बारे में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो मैं अभी आपसे पूछ लेता हूं, फिर आज के सेशन को खत्म करते हैं। देखिए, सिकंदर ने इंडिया पर अटैक किया तब मगध का राजा कौन था, ये बता दीजिए मुझे। जब सिकंदर ने भारत के ऊपर अटैक किया मान लीजिए, तो उस टाइम पर मगध का राजा कौन था? देखिए, ये नंद वंश का शासन था और जो अंतिम राजा था धनानंद, उस टाइम पर धनानंद था, ठीक है। बिंबिसार के समय मगध अत्यंत शक्तिशाली क्यों बन गया था बताइए मुझे। आपने देखा कि ये जब महाजनपदों की उत्पत्ति हुई तो पहले नंबर पर मगध आ गया था, तो ये मगध को पहले नंबर पर आने का रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि मगध को एक रिसोर्स प्राप्त था जिसका नाम था लोहा। उस टाइम पर मगध के पास लोहा बहुत ज्यादा था, तो जो हथियार थे और जो बाकी चीजें थी तो वो आयरन का यूज बहुत ज्यादा करते थे। देखिए, मैट्रिमोनियल पॉलिसी वगैरह तो एक वो हो सकता है रीजन, लेकिन जो मेन रीजन था वो था लोहा। जो लोहा था वो बहुत ज्यादा था उनके पास, और वो जितनी भी चीजें यूज करते थे वो मेटेलिक यूज करते थे, जबकि दूसरों के पास लोहा इतना ज्यादा नहीं था। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात है। अब देखिए, गुड इकोनॉमी भी मैंने माना, लेकिन जो आयरन था उसने ये बहुत मेन जो है रोल प्ले किया। हाँ जी, आज क्लास लंबी हो गई, वेलकम। चलिए, आज की क्लास का अंत करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि लास्ट के दो क्वेश्चन थे। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और नए जो स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करो और यार दोस्तों को बताओ, ठीक है। हाँ जी, वेपन्स वर मेड अप ऑफ आयरन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, टेक केयर। ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास होगी, यार दोस्तों को बुलाओ, यार ज्यादा बच्चे आएंगे तो मजा आएगा। टेक केयर, नए स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। बाय।